Let's learn together. Workplace building. Standard classrooms. Lush green and pollution-free Wi-Fi campus. It's not passion. It's not achievements. It's not architecture and our country. It's in the way we innovate, educate, and discover. It's how we move and inspire. It's time to have experience for yourself at Chandrakant Charan Singh University. Digital India, भारत का संकल्प है. डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है. डिजिटल इंडिया 21वीं सदी में सशक्त होते भारत का एक जयघोष है. चरण चरण सिंह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के जिला स्थित है, जिसे प्राचीन के नाम से भी जाना जाता है. एक प्राचीन शहर है जहां सिंधु घाटी सभ्यता की बस्तियां पाई गई. यह शहर राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से 70 किलोमीटर उत्तर पूर्व में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर आता है. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1965 में डूरत विश्वविद्यालय नाम से उच्च शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी. बाद में इसका नाम बदलकर भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर रख दिया गया है. 1994 से ही चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है. 1967 में इसके वाइस चांसलर नियुक्त हुए, प्रथम वाइस चांसलर प्रोफेसर आर के जोशी, और ऐसे चुनिंदा साइंटिस्ट को यहाँ पर लेकर के आए जिससे यहाँ की फैकल्टी जो रीढ़ होती है वो सही रूप में स्थापित हो. एमपी के अध्ययन में इसने सभी शिक्षकों को और बहुत सारे विद्यार्थियों को जिन्होंने पीजी कर रखी थी उन सबको प्रवेश दिया जाता था, जिससे कि वो पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर सके. अर्थात पीएचडी की डिग्री सीधे लेने की बजाय एमपी करने के पश्चात इस विश्वविद्यालय की नींव इस विजन के साथ रखी गई टू प्रोड्यूस सच प्रोफेशनल्स हू हैव ह्यूमन कॉम्पिटेंस विजन एंड स्किल्स एज आर नेसेसरी टू मीट द चैलेंजेस ऑफ इमर्जिंग ग्लोबल नॉलेज इकोनॉमी बाय द पावर ऑफ रेवोल्यूशन क्रिएटिविटी एंड एफिशिएंट लर्निंग एबिलिटी.
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय आज उस मुकाम पर है जहां ये प्रदेश के 6 जिलों में शिक्षा, तकनीकी और प्रौद्योगिकी की एक ऐसी जलती मशाल है जो विद्यार्थियों को शिक्षा देकर उनके जीवन में स्वरोजगार व आत्मनिर्भरता पैदा करने जैसी विभिन्न को पूरा कर रहा है, बल्कि एक उत्कृष्ट नागरिक के तौर पर भी छात्रों को देशभक्त, जागरूक, सरल और जिम्मेदार बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यहाँ के छात्र आज विभिन्न सरकारी व प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में उच्च पदों पर आसीन है तथा देश विदेश में विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। जब 1965 में उधर नासा के मैरिनर 4 ने मंगल ग्रह से उड़ान भरी तो यहाँ मेरठ में यूनिवर्सिटी की नींव रखी जा रही थी। 1969 में विश्वविद्यालय की पहली बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। ये एमफिल कोर्सेज शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया। इसी बिल्डिंग में 5 विषयों बॉटनी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और मशीन लैंग्वेज के कोर्सेज शुरू किए गए। 1969 से वर्तमान तक सभी कोर्सेज में यहाँ सेमेस्टर सिस्टम के साथ शिक्षा दी जा रही है। 1973 में आधुनिक पाठ्यक्रम के साथ सेमेस्टर सिस्टम में ही परस्नातक कोर्सेज भी शुरू किए गए। 1974 में भारत ने अपना पहला सफल परमाणु बम परीक्षण यानी ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा करके दुनिया को दिखा दिया कि पावर में हम भी किसी से कम नहीं। और यहाँ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में विस्तार करना शुरू कर दिया और कला, विज्ञान एवं कृषि वर्ग में कई मॉडल कोर्सेज और लॉन्च कर दिए, जिससे परिसर का विस्तार हुआ और दूसरी दुनिया भी 1977 में बनकर तैयार हो गई। 1977 में उत्तर भारत में IIT के बाद कंप्यूटर लगाने वाला यह दूसरा संस्थान बना। 1982 में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, शिक्षकों व आम जन के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए विश्वविद्यालय परिसर में ही मदन मोहन के नाम पर कक्षा 5 तक स्कूल शुरू किया गया। वर्तमान में विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड कॉलेज की संख्या 680 है, जिनमें लगभग 4,30,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। वर्तमान में ये देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में से एक है, जिसमें विशाल, सुंदर और प्रदूषण मुक्त परिसर शामिल है, जो विशाल खेल के मैदान और प्रयोगिक क्षेत्र के साथ 222 एकड़ भूमि में फैला एक मनोरम स्थान है। परिसर में 41 रेगुलर और 69 सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज के साथ 7 संकाय हैं। कैंपस में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, धन सिंह कोतवाल, मंगल पांडे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह की विशाल और आकर्षक प्रतिमाएं लगी हुई हैं। परिसर स्थित साहित्यकार कुटीर में छात्रों की प्रेरणा हेतु प्रख्यात कवियों सूरदास, कालिदास, तुलसीदास आदि की मूर्तियां स्थापित हैं। परिसर में 2 बड़े खेल के मैदान, 2 रनिंग ट्रैक्स हैं और हरे भरे उद्यानों से सुसज्जित कैंपस में महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग अत्याधुनिक व्यायामशाला, इंडोर स्टेडियम, पुस्तकालय, लड़कियों और लड़कों के लिए 9 छात्रावास,
दो प्रशासनिक ब्लॉक और तीन विशाल वातानुकूलित सभागार है। इसके अलावा अतिथि गृह, सामुदायिक केंद्र, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टर, कैंटीन, बैंक और डाकघर के साथ कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए रेलवे रिजर्वेशन काउंटर तक की सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक महिला हेल्थ क्लब की भी स्थापना की गई है और एक बहुत बड़ा क्रम है जिसमें इस विश्वविद्यालय के लिए कुछ बाहर की भी लोग आता है अपने अभ्यास कर सकते हैं और फिट इंडिया को हम लोग यहाँ पर प्रचार करना चाहते हैं। तो रेलवे का जो है चालू हो गई है एक आवश्यक सूचना है, यदि कोई अभिभावक अपने बच्चों को सभागार में ले आए हैं तो कृपया बच्चे को लेकर के आप सभागार से बाहर चले जाएं। कुछ मर्यादा होती है दीक्षांत समारोह की, ये उसके अनुरूप नहीं है। आपसे सविनय अनुरोध है कि यदि आप किसी शिशु को लेकर इस सभागार में आ गए हैं तो आप बाहर चले जाएं, शिशु का ध्यान रखें, परंतु ये सभागार इस व्यवस्था को इस समय इतना ही वहन कर पाएगा। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। कृपया शिशु को लेकर बाहर चले जाएं। तो ही देश का विकास, काम करने वाले लोगों को नई टेक्निक सिखाकर आगे बढ़ाने का काफी प्रयास भारत भर में पूरा। केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को विश्वविद्यालय द्वारा अंडर ग्रेजुएट लेवल पर सत्र 2021-22 में अडॉप्ट किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत बोर्ड ऑफ स्टडीज कराकर सिलेबस में स्किल डेवलपमेंट, जॉब ओरिएंटेड, वैल्यू एडेड कोर्सेज का समावेश किया गया है, जिसके प्रथम सत्र की परीक्षा सफलता पूर्वक कराकर परिणाम भी घोषित किए जा चुके हैं और साथ ही साथ सत्र 2022-23 से नई शिक्षा नीति को पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर अडॉप्ट किया जा चुका है। विश्वविद्यालय नैक के दो चरण करा चुका है, जिसमें यूनिवर्सिटी को वर्ष 2002 में 2.76 व 2016 में 2.84 रेटिंग प्राप्त हुई और अब 2022 हेलो 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 इसमें कम है वो सही है। हेलो
नासिक में प्रकाश के बोल में दूसरी तरह से क्लियर स्टेटमेंट कहा था अक्षरों के क्षेत्र में कहा था वो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी कहे उसी का परिणाम है कि आज वो जो स्मृतियां हैं मेमोरीज हैं वो आज भी मन के अंदर गूंजती हैं प्रेरित मेरे कोच हैं श्री जबर सिंह सोम जो यहीं पे कोच हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी में और मैंने सभी मेडल्स जीते हैं ज्यादातर चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो चाहे वर्ल्ड चैंपियनशिप हो चाहे एशियन गेम्स हो तो मैं देश की पहली महिला रेसलर बनी जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लिया तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी का जब मैं याद करता हूँ कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में हम लोगों ने जब एमएससी में एडमिशन लिया तो गांव से आने के बाद जिस उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पर आए चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे सामाजिक क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्र हो अपने गुरुओं के द्वारा अपने साथियों के द्वारा जो साथ पढ़ने वाले हमारे मित्र थे उनके सहयोग के कारण ही आज उत्तर प्रदेश की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के साथ काम करने का अवसर मुझे मिला है और मैं हमेशा जब भी अपने विश्वविद्यालय में जाता हूं तो विश्वविद्यालय परिवार के द्वारा जो उत्साह और ऊर्जा मुझे मिलती है एक नई ऊर्जा के साथ काम करने का मुझे हौसला देती है और मुझे खुशी है कि आज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जिस तेजी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है
मुझे खुशी है कि अच्छे खिलाड़ियों के साथ साथ अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे प्रोफेसर्स हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा निकल रहे हैं। परिसर में परीक्षा परिणामों की गोपनीयता व शुचिता बनाए रखने के लिए एक कंप्यूटर सेंटर स्थापित है। विश्वविद्यालय में छात्रों के औद्योगिक व शैक्षणिक भ्रमण हेतु एक बस और आपात स्थिति के लिए एक एम्बुलेंस हमेशा उपलब्ध रहती है। कोरोना काल में अपने सामाजिक दायित्व को निभाते हुए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने लगभग 3,000 कोरोना पीड़ित परिवारों को लॉकडाउन में भोजन उपलब्ध कराया तथा विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों व कर्मचारियों ने मिलकर मुख्यमंत्री राहत कोष में 22 लाख रुपए की सहयोग राशि जमा की। वाइस चांसलर होने के नाते मैं इस विश्वविद्यालय, इट इज अ ग्रेट एंड प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मैं इस विश्वविद्यालय के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। 57 ईयर्स की ये जर्नी अपनी कंप्लीट कर चुका है और इस जर्नी में कंटिन्यूस एडवांसमेंट, इम्प्रूवमेंट एंड बहुत सारी चीजें इस विश्वविद्यालय ने स्ट्रेंथन करी हैं, जिन सभी के लिए मैं सारे कर्मचारियों को, सारे फैकल्टी मेंबर्स को, सारे ऑफिसर्स को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। स्पोर्ट्स में ये विश्वविद्यालय नंबर 1 है उत्तर प्रदेश में एंड 15th है इंडिया में, और रिसेंटली खेलो इंडिया में इस विश्वविद्यालय ने 14 मेडल्स पाए हैं। अगर हम पब्लिकेशंस की बात करते हैं तो लास्ट 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट 1500 पब्लिकेशंस हैं वेब ऑफ साइंस में एंड स्कोपस में, एंड हमारे साइटेशन मोर देन 17,000 साइटेशंस हैं इस विश्वविद्यालय के पास। यूनिवर्सिटी टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया की तरफ आगे बढ़ रही है। इस विश्वविद्यालय में टेक्नोलॉजी फ्रेंडली विश्वविद्यालय बनाना है। मेहनत करने वाले लोगों के लिए एक अभिनंदन। अभी पता चला है कुछ लोगों को यहाँ पर स्थान नहीं मिल पा रहा है, जो कि जैसे अभिभावक हैं या कुछ और अन्य लोग जो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। हमारे दो ऑडिटोरिया और हैं और वहाँ पर डायरेक्ट रिले इसका होगा, टेलीकास्ट होगा इस पूरी रिकॉर्डिंग का। एक अप्लाइड साइंस बिल्डिंग, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग कैंपस के परिसर के स्टूडेंट्स ही हैं या उनके अभिभावक हैं, तो हमारे कार्यकर्ता भी आपके पास हैं, उनसे आप पता कर लें और अप्लाइड साइंस बिल्डिंग की ओर चले जाएं। और जैसे ही अप्लाइड साइंस बिल्डिंग में भी व्यवस्था कम होगी तो हमारा बृहस्पति भवन भी पूर्ण सुचारू व्यवस्था के साथ आपके लिए उपलब्ध है। तो जिन लोगों को स्थान नहीं मिल पा रहा है, कृपया हताश ना हो और हमारे जो दूसरे सभागृह हैं उनकी तरफ प्रस्थान करें। आपका इस परिसर में सहर्ष स्वागत है।
विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह में आज प्रातः है आप सभी का। मंच समिति की ओर से, विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हम स्वागत करते हैं। दीपमाला स्वागत में जल उठी है, दीपमाला स्वागत में जल उठी है, मलयज भीगी हवाएं चल उठी हैं, कर रहा स्वागत कण कण आपका, स्वागतम स्वागतम है आपका, आपका स्वागत महोदय, हृदय की श्रद्धा समर्पित, इसने ही बंधन शक्ति देता, मार्गदर्शन है अपेक्षित, आप आए हैं हृदयतम स्वागतम है स्वागतम। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तथा किसानों के प्रिय नेता, धरती पुत्र चौधरी चरण सिंह जी के नाम से स्थापित और उनके नाम से सुशोभित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के 34वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित समस्त महानुभाव, कुल सचिव कुमार, अधिकारी श्री सुनील कुमार गुप्ता, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, कुला अनुशासक, विद्वत परिषद के सदस्य, कार्य परिषद के सदस्य, विश्वविद्यालय के समस्त संकाय अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के समस्त संकायों में से उपस्थित समस्त आचार्यगण, विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों से पधारे प्राचार्यगण, आज के दीक्षांत समारोह में आमंत्रित और समारोह में पधारे समस्त सम्मानित अतिथिगण, पदक एवं उपाधि प्राप्तकर्ता, समस्त दीक्षार्थी और उनके माता पिता, हमारे बीच विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति माननीय प्रोफेसर तनेजा सर भी उपस्थित हैं, हम उनका विशेष स्वागत करते हैं। कृपया करकर ध्वनि से तनेजा सर का स्वागत करें। साथ ही अभी जिन लोगों को मैंने संबोधित किया उन सभी का पदक उपाधि प्राप्त करता समस्त दीक्षार्थी, उनके माता पिता, विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारी कर्मचारीगण, महाविद्यालयों की से पधारे समस्त शिक्षकगण, उपस्थित छात्र छात्राओं, मीडिया कर्मी, देवियों और सज्जनों, आप सभी का समस्त विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, दीक्षांत समारोह की संपूर्ण आयोजन समिति की ओर से, आज के दीक्षांत समारोह में मैं प्रोफेसर रीना सिंह, अर्थशास्त्र विभाग MMH कॉलेज गाजियाबाद, श्रद्धान्वित हूँ और आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उपस्थित समस्त अतिथियों का स्वागत करें। हम सभी आज जिन विशिष्ट गणमान्य अतिथियों का विश्वविद्यालय की 34वें दीक्षांत समारोह में स्वागत एवं अभिनंदन करने हेतु आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे हैं विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षा माननीय कुलाधिपति एवं श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदी बेन पटेल जी। साथ ही स्वागत और अभिनंदन करने हेतु हम प्रतीक्षा कर रहे हैं आज के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि, राष्ट्रीय संस्था भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर जतेंद्र कुमार बजाज जी। आज के समारोह के वो मुख्य अतिथि हैं और आज के समारोह में उनका दीक्षांत भाषण भी उनके द्वारा प्रदान किया जाएगा। माननीय कुलाधिपति एवं श्री राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल तथा मुख्य अतिथि डॉक्टर जतेंद्र कुमार बजाज जो कि पद्मश्री हैं, उनका प्रतीक्षित आगमन आज के दीक्षांत समारोह को विशिष्ट गरिमा प्रदान कर रहा है। साथ ही सभागार में आप सभी की उपस्थिति ने भी विश्वविद्यालय के प्रांगण और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से सुशोभित इस प्रेक्षागृह को आलोकित कर दिया है। मेरे सामने की ओर, मेरे दाहिनी ओर कुर्सियों पर विराजमान हैं आज के समारोह के प्राण और शान पदक विजेता छात्र और छात्राएं, जिनकी प्रतिभा को अलंकृत करने हेतु इस दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है।
इन प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों का विश्वविद्यालय की ओर से विशेष अभिनंदन और सत्कार। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया जोरदार करतल ध्वनि से समारोह में उपस्थित विश्वविद्यालय की शान इन प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों का स्वागत करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में अपनी भाव पुष्प अर्पित करती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बुद्धिं देहि यशो देहि कवित्वं देहि देहि मे मूढ़त्वं च हरि देवि त्राहि माम शरणागतम्। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का ये दिन विशिष्ट है और ये विशिष्ट और महत्वपूर्ण दो कारणों से होता है। प्रथमतः अपने मेधावी छात्र छात्राओं और उनके अनर्थक परिश्रम की पुरस्कार की बेला के रूप में, और दूसरे विश्वविद्यालय के गौरवमय इतिहास के एक और पड़ाव को सफल और सार्थक रूप से पार कर देने के संतोष को व्यक्त करने के रूप में भी दीक्षांत समारोह को हम आयोजित करते हैं। आज के दीक्षांत समारोह के ये क्षण उन विद्यार्थियों और उनके माता पिता के लिए तो गौरवपूर्ण है ही, साथ ही उन समस्त विद्यार्थियों के लिए भी ये प्रेरणा के दीपोत्सव का कार्य करेंगे जो कि अभी परीक्षा की प्रथम सीढ़ी पर खड़े हुए हैं। हमेशा ये कहा जाता है कि संगति महत्वपूर्ण है। विद्वत जनों की संगति ही मनुष्य को विवेकशील और बुद्धिशील बनाती है। सो प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए आज के दीक्षांत समारोह के रूप में विद्वत जनों की संगति का यह मेला प्रस्तुत है, जिसमें आप अपने मेधावी अग्रजों से, अपने साथियों से ही नहीं प्रेरणा प्राप्त करेंगे, बल्कि मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय अतिथियों के विचारों और उनके अनुभवों से भी प्रेरणा प्राप्त कर सकेंगे। उठा चरण यह सोच के तेरे पद पद के निक्षेपों की आने वाले युग के कानों में ध्वनियां पहुंच रही हैं। आज के दीक्षांत समारोह में कार्यक्रमानुसार शोध छात्रों की उपाधि, विभिन्न संकायों में सर्वोच्च स्थान प्राप्तकर्ता विद्यार्थियों को पदक, विशिष्ट योग्यता प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय परिसर के एमए, एमएससी और अन्य पाठ्यक्रमों की उपाधि प्राप्तकर्ताओं की उपाधि, विशिष्ट योग्यता प्रमाण पत्र और मेडल दिए जाने हैं। इसी के साथ किसान ट्रस्ट नई दिल्ली के पुरस्कारों से भी अर्ह विद्यार्थियों का अलंकरण किया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अपने जीवन को व्यर्थ न जाने देना, क्योंकि आपका जीवन अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। अगर सुप्रसिद्ध कवि सुब्रमण्यम भारती के शब्दों को मैं यहाँ पर कोट करूं, तो आप उस कौस्तुभ वीणा के समान हैं, जिसके बारे में सुब्रमण्यम भारती लिखते हैं, क्या कोई कौस्तुभ रत्न वीणा इसलिए बनाता है कि उसे धूल धूसरित होने दे। हे ईश्वर, बनाया है तुमने मुझे, दी है स्वर्ण सी खनकती, रत्न सी चमकती प्रतिभा, क्या मुझे वो शक्ति न मिलेगी कि जिसे मैं विश्व मंगल में लगा सकूं। ये पंक्तियां समस्त विद्यार्थियों को समर्पित हैं। आपकी उपलब्धियां आपको अनायास नहीं मिली, इसके पीछे आपकी मेहनत, एकाग्रचित्तता और परिश्रम का ईंधन लगा हुआ है। हमारे ऐसे श्रमजीवी विद्यार्थी विश्वविद्यालय के इस 34वें दीक्षांत समारोह की आन बान और शान है। अबू तुराब के ये पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ। मेहनत से मिल गया जो सफीने के बीच था, मेहनत से मिल गया जो सफीने के बीच था, दरियाए इत्र तो तेरे पसीने के बीच था। सफलता के लिए स्वप्न देखना आवश्यक है, और पूरी मेहनत में जब एक स्वप्न को हम यकीन में बदलने के लिए प्रयत्न करते हैं तो सफलता तो अवश्य मिलती है। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भी ये कहा था कि हम उनको ख्वाब नहीं कहते जिनको हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि ख्वाब तो वो होते हैं जो कि हमें सोने नहीं देते। आपने भी ये पंक्तियां पहले सुनी होंगी। उठो ये मंजरे शबेताब देखने के लिए, उठो ये मंजरे शबेताब देखने के लिए, कि नींद शर्त नहीं होती है ख्वाब देखने के लिए। मैं दीक्षांत समारोह में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, और
दुष्यंत कुमार के ये शब्द फिर से अपने कुछ छात्रों के लिए, जो यहाँ पदक प्राप्त हमारे छात्र उपस्थित हैं, छात्राएं उपस्थित हैं, उनको आशीर्वाद स्वरूप दुष्यंत कुमार की पंक्तियां समर्पित करती हूँ। जाओ तुम्हारे स्वप्न बड़े हों, जाओ तुम्हारे स्वप्न बड़े हों, भावना की गोद से उतरो, जल्द पृथ्वी पर चलना सीखो, चांद तारों की अप्राप्य ऊंचाइयों के लिए रूठना और मचलना सीखो, हंसो मुस्कुराओ और गाओ, यह दिए की रोशनी देखकर ललचाओ, उंगली जला लो, अपने पांव पर खड़े हो, जाओ तुम्हारे स्वप्न इतने बड़े हो। इसी के साथ पुनः स्वागत अभिनंदन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु मैं अपनी सहयोगी उद्घोषिका प्रोफेसर नीलू जैन गुप्ता को आमंत्रित करती हूँ। आज के दीक्षांत समारोह की का एक मुख्य कार्यक्रम है जल भरो कार्यक्रम। वो जल भरो कार्यक्रम और जल की महत्ता के ऊपर अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अभिभावक हैं आप हमारे, अभिभावक हैं आप हमारे, सर्वोपरि आपका अभिनंदन। आपसे उक्त समारोह की शोभा प्रफुल्लित है यह प्रांगण। सादर समर्पित करती हूँ अभिनंदन प्रोफेसर नरेंद्र कुमार तनेजा के श्री चरणों में कि उनकी उपस्थिति से आज यह प्रांगण अभिभूत हुआ है। एक करतल ध्वनि फिर एक बार बनती है और अब मैं फॉर्मल, अभी तक आपसे दो बार मिल चुकी हूँ, आज जो प्रेजेंट करना है उसके लिए मैं आपसे अब बात करती हूँ। मैं नीलू जैन गुप्ता प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष जंतु विज्ञान विभाग, आज आपको आपसे चर्चा करने जा रही हूँ कि किस तरह से हम जल का संचयन कर सकते हैं और जल के बारे में हमारी परंपरा क्या है। लेकिन उद्घोषिका के दायित्व के चलते मेरा अनुरोध है दीर्घाओं में चलते हुए उन लोगों से थोड़ा थम के चलो और थोड़ा थम के बैठ जाओ, निर्धारित स्थान तुम्हारा है, जरा जम के बैठ जाओ। मैं रोक नहीं पाई अपने आप को जब मेरी सह उद्घोषिका ने उन बच्चों का आह्वान किया जो आज मेडल लेने आए हैं। सच मानिए ये सारा प्रांगण, ये सारा इंतजाम बच्चों छात्रों सिर्फ आपके लिए है, इसलिए एक छोटा सा संदेश देने के बाद ही अपना फॉर्मल एड्रेस शुरू करूंगी और वो ही पंक्ति दोहराऊंगी जो आप हमेशा सुनते आए हो, विद्या ददाति विनयम, ये आप हमेशा सुनते आए हो। मुझे लगता है हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट, सो इट इज द राइट टाइम कि आपकी उस प्रतिभा का मैं आह्वान करूं। विद्या ददाति विनयम, विनयाति याति पात्रताम, पात्रत्वम आपनोति धनात धर्मम तत सुखम। आप अपनी शिक्षा के कुछ पायदानों पर चढ़ रहे हैं, तब ऐसे में ये याद रखना कि विद्या विनय देती है और विनय से पात्रता आती है। हमारे आज के समाज में बहुत आवश्यकता है इस विनय जनित पात्रता की, इसीलिए मैं आपको आह्वान करती हूँ। धर्म आप मानते हो, धन का महत्व आपको पता है, विनय आपके अंदर है, सिर्फ और थोड़ा बाहर लाना है और अपनी जो आज तक की मेहनत है उसे एंजॉय करते हुए अपनी विनम्रता को आप बनाए रखें, क्योंकि ऊंचे आयामों के लिए और शायद इसीलिए विनम्रता की सजीव प्रतिमूर्ति जो यहाँ पर है उसी से मैंने अपना अभी का उद्बोधन शुरू किया था। मेरा एक निवेदन है, क्योंकि ऑडिटोरियम में सीट्स भर चुकी हैं तो जो वॉलेंटियर्स हैं हमारे स्टूडेंट वॉलेंटियर्स या अब आने वाले लोग हैं वो अप्लाइड साइंस ऑडिटोरियम या बृहस्पति भवन की तरफ चले जाएं। इवन यदि पेरेंट्स अब आ रहे हैं तो उनके सीट्स फुल हो गए हैं क्योंकि वो लेट हैं, फिर तो वो लोग बृहस्पति भवन या ऑडिटोरियम की तरफ चले जाएं। जो गेट पर वॉलेंटियर्स हैं वो ध्यान रखें, अब आप यूनिवर्सिटी के किसी भी वॉलेंटियर को एंट्री ना दें दोनों ही तरफ से। थैंक यू, धन्यवाद प्रोफेसर जयमाला। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय नाम है जिसका, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय नाम है जिसका, स्वयं नैसर्गिक सरलता का द्योतक है, संस्थान द्वार पे ही सुस्वामी विवेकानंद का सजीव वृहद स्मारक है।
यही है हमारा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। इसीलिए यहाँ पर आकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ आकर के हर छात्र जीवन ध्येय को पाता है। यहीं पर हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, अक्सर अपने आप को अपने से जुड़ी कड़ियां जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आसपास की हवा स्वस्थ हो, आसपास की हवा स्वस्थ हो। मुझे अच्छा लगेगा अगर ये छात्र ध्यान देंगे, आसपास की हवा स्वस्थ हो, इतने पेड़ लगाएंगे। यहाँ पर मैं कह दूँ, हमारा 80% परिसर जो है वो पेड़ों से, हरियाली से आच्छादित है। अब हमें आगे इसी मैसेज को पूरे समाज में ले जाना है। आसपास की हवा स्वच्छ हो, इतने पेड़ लगाएंगे। हम भारतवासी प्रण लेते हैं कि पर्यावरण प्रबल बनाएंगे। एकल प्रयोग पॉलिथिन को हम नकार देंगे सदा। इसमें एक मैसेज है, एकल प्रयोग पॉलिथिन को हम नकार देंगे सदा, कपड़े की थैली को वापस लाएंगे, यही है भारतीय प्रथा। पेयजल का अभाव न हो, आज के कार्यक्रम में एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है जल भरो का। पेयजल का अभाव न हो, आज ही हम यह प्रण लेंगे, आने वाली पीढ़ी को जल से वंचित नहीं होने देंगे। हम जल से वंचित नहीं होने देंगे। आदेश हुआ कि मुझे जल के महत्व के बारे में आपसे बातचीत करनी है, तो एक चीज मन में आई, सच बताइए, क्या भारतीयों को जल के महत्व या नदी हमारी माँ है? कौन सा देश है जहाँ पर गंगा जैसी माता और पाई जाती है? हमारा तो जीवन ही गंगा जल से शुरू होता है और गंगा जल पे समाप्त होता है। हमारी तो हर अवस्था में, हर प्रथा में गंगा जल जो है हमारे लिए सर्वोपरि है। और गंगा ही क्यों, हम सारी नदियों का जल वैसा ही मानते हैं। तो कुछ छात्रों के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे विज्ञान के, वाणिज्य के छात्र हैं, तो मुझे लगा कि मैं जल के महत्व को आपको बताऊं, इससे अच्छा मैं एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ कि किस प्रकार गंगा मैया हमारी धरती पर अवतरित हुई। सब जानते हैं, बोलते हैं शिव जी की जटाओं से आई थी, लेकिन क्या हुआ ऐसा कि शिव जी की को अपनी जटाएं खोलनी पड़ी? तो ऐसे में जल के महत्व को समझने के लिए मैं उस कहानी को आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जहाँ पर गंगा मैया भगीरथ एक कुल की, जिस कुल के संतान थे उसके प्रथम राजा थे सरस। सरस ने 56,000 पुत्र के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, और फिर उस यज्ञ की जब पूर्ति हुई तो वो गए और जाकर के उन्होंने कहा, लेकिन इंद्र ने, अच्छा यज्ञ जब होता है, यज्ञ में सबसे अधिक आवश्यकता किस चीज की होती है, किस पशु की आवश्यकता यज्ञ को पूर्ण करने के लिए पड़ती है? छोटी छोटी बालिकाओं, यज्ञ को पूर्ण करने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ आपने सुना होगा, तो यज्ञ को पूरा करने के लिए एक घोड़े की आवश्यकता पड़ती है। तो राजा सरस ने अपना घोड़ा जो है वो छोड़ दिया, लेकिन इंद्र को लगा कि राजा सरस बहुत ज्यादा, अब इनकी शक्ति बढ़ रही है, तो उन्होंने उनका घोड़ा छिपा दिया। वो ढूंढते हुए अपने घोड़े को गए, जब पाताल में पहुंचे तो उसको अपना घोड़ा तो बंधा मिल गया, लेकिन उसके पास ही एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। और जब वो ऋषि तपस्या कर रहे थे तो सरस के मन में कुछ अभिमान भी आ जाता है, जब कुछ भावनाएं पूरी हो जाती हैं, मन में एक अभिमान आ गया और उन्होंने ऋषि का तपस्या भंग करके ये पूछ लिया कि आपने मेरा घोड़ा यहाँ क्यों बांधा? बस इतना था कि ऋषि ने उनके उन 56,000 पुत्रों के मृत्यु का शाप दे डाला। और इस शाप के चलते जब वो बहुत दुखी हुए कई पीढ़ियों तक, फिर इसी कड़ी में आगे एक राजा हुए, उसी परिवार से उनकी बहन के पुत्र राजा भगीरथ, जिन्होंने प्रण लिया कि मुझे इस अभिशाप से अपने परिवार को मुक्त कराना है। और तब उन्होंने गंगा मैया से कहा कि माता अब धरती पर आ जाओ, इसके कल्याण के लिए इस धरती को आपकी आवश्यकता है। और तब गंगा मैया बोली, मैं इतनी ऊपर से आऊंगी तो मैं बहुत वेग से आऊंगी, ऐसा ना हो कि जिन पुत्रों के भले के लिए मैं आ रही हूँ, मैं उनका भला करने से ज्यादा उनके लिए मेरा वेग एक रुकावट बन जाए। तब राजा भगीरथ
ने फिर तपस्या की और शिव को कहा, शिव जी अपनी जटाएं खोल दो ताकि इन जटाओं से निकल कर माता एक धीमे अपने वेग को धीमा कर ले। और तब गंगा मैया ने अवतरण लिया और उस परिवार की, उस राज परिवार की जो इच्छा थी वो वापस पूर्ण हो पाई। ये है जल का महत्व। गंगा मैया, आप मेरे साथ अगर एक बार बोल दें जय गंगा मैया, सुनाई नहीं दिया मुझे, जय गंगा मैया, जय हो, क्या मुझे जल का महत्व बताने की और आवश्यकता है? आगे छात्रों, कहने का एक और पर्पस था, ये अगली पीढ़ी, हम तो जाती हुई पीढ़ी है, अगली जो हमारा भविष्य है आपके हाथों में सुरक्षित है। आप इसे आगे ले जाएंगे, जल को बचाएंगे, आप मेरे साथ बोलेंगे अब हम जल को बचाएंगे, जल बर्बाद नहीं होने देंगे। आज का जल भरो कार्यक्रम उसी कड़ी का हिस्सा है। माननीय कुलाधिपति महोदया ने भी निर्णय लिया है कि पुष्प अर्पण से पहले जल भरो होगा। क्या हम जल को बचाएंगे? बोलिए ना, हाँ हम जल को बचाएंगे। मुझे बताने की जरूरत है? मेडल ले रहे हो और ये भी नहीं पता कि जब क्या पूछा जाता है उस पर हाँ बोला जाता है। यस, क्या हम जल को बचाएंगे? धन्यवाद, हमें आपसे यही उम्मीद है और आप यशस्वी हो, ये आज आपको पूरे दिन ही आशीर्वाद मिलने वाला है। मैं तो बहुत छोटी सी कड़ी हूँ लेकिन अपने शब्दों में भी कहती हूँ कि सारा यश तुम्हारा हो। धन्यवाद। कुछ निर्देश मैं अब फिर से आपके समक्ष रख रही हूं। मैं देख रही हूं कि समय सभागार में इधर से उधर थोड़ा आना जाना चल रहा है, कृपया निर्देशों को ध्यान से सुने, कृपया अपने नियत स्थान पर बैठें, अनावश्यक रूप से प्रेक्षा गृह के अंदर और बाहर न घूमते रहें। आप सभी से अनुरोध है, हमारी टीम के सक्रिय कार्यकर्ता स्वयंसेवक आपकी सहायता हेतु तत्पर हैं। आपसे ये भी अपेक्षा की जाती है कि अपने मोबाइल फोन को या तो बंद कर दें अथवा उन्हें साइलेंट मोड पर रखें, और आपसे ये भी अनुरोध है कि उनका प्रयोग आप कार्यक्रम के दौरान ना करें। सभी पदक विजेताओं, उपाधि प्राप्तकर्ताओं, डिप्लोमा धारकों और प्रमाण पत्र प्राप्तकर्ताओं के लिए उन सभी के लिए उत्तरीय पहनना आवश्यक है। उत्तरीय विश्वविद्यालय के से आपको मिल चुका होगा। जो शोभा ये यात्रा है वो एग्जिट नंबर 4 द्वार 4 से प्रेक्षागृह में प्रवेश करेगी, और जब शोभा यात्रा प्रवेश करेगी आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर आप शोभा यात्रा का स्वागत करेंगे। हेलो, मेडल लेने के लिए जो विद्यार्थी हैं उनको पहले ही बताया जा चुका है, आप जो इंस्ट्रक्शन मंच समिति ने आपको दिए हैं उसके अनुसार आपको बाईं तरफ से आना है, मेरे दाहिनी ओर आपके बाईं तरफ से, और उधर निकल जाना है। मेडल लेने के बाद विद्यार्थी अपने नियत स्थान पर वापस बैठ जाएंगे और स्वयं सेवक इसमें आपकी मदद करने के लिए पहले से ही तैयार हैं। हेलो, हेलो, पदक का केस या डिब्बा आपको वापस अपनी जीत पर सीट पर जाते समय मिल जाएगा। हेलो, हेलो, यदि कोई पदक प्राप्तकर्ता मंच से उसका नाम पुकारे जाते समय अनुपस्थित है तो उसको दोबारा नहीं बुलाया जाएगा। हेलो, आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने पद के लिए दीक्षांत समारोह के दौरान कोई प्रश्न या अनुरोध नहीं करेंगे। विलंब से आने वाले अथवा अनुपस्थित रहने वाले मेडल सर्टिफिकेट विजेता विद्यार्थी अपनी उपाधियों के लिए बाद में सामान्य विभाग से संपर्क करेंगे। यद्यपि हमने प्रमाण पत्रों को बहुत ही सावधानी से तैयार किया है किंतु फिर भी अगर कोई त्रुटि रह जाती है
तो उस त्रुटि के निवारण और संशोधन हेतु आप सामान्य विभाग में सहायक कुल सचिव जी से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए, किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे स्वयंसेवक सभागार में मौजूद हैं, आप उनसे संपर्क करें। दीक्षांत समारोह के दौरान संपूर्ण मर्यादा शिष्टाचार का ध्यान रखें। आप हमारे अतिथि हैं और दीक्षांत समारोह की शान है। दीक्षांत समारोह की गरिमा को बनाना आपकी भी एक जिम्मेदारी है। सभी पदक, डिग्री और उपाधि प्राप्तकर्ताओं से अनुरोध है कि उसको सूचना देना चाहते हैं कि ये जो हमारा दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम है, 34वां दीक्षांत समारोह, इसका लाइव टेलीकास्ट YouTube चैनल पर चल रहा है और आप उसको बाद में भी फिर देख पाएंगे। ये कुछ सामान्य कुछ इंस्ट्रक्शंस थे जो कि मंच से आपको दिए गए, इनका ध्यान रखें। आप लोगों ने इससे पहले कि हमारी शोभा यात्रा आए, कुछ बातचीत हमारे बीच आपके बीच बनी रहनी चाहिए। आपने हमेशा आत्मनिर्भर भारत इस नारे को आप बहुत समय से सुनते आ रहे होंगे, पिछले कुछ समय से। उसी के विषय में थोड़ा सा आपसे बात करूं। आत्मनिर्भरता कोई एक शब्द नहीं है, आत्मनिर्भरता मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र है। एक छोटी सी कहावत है कि ईश्वर उनकी सहायता करते हैं हेलो जो कि स्वयं अपने भरोसे पर कार्य करते हैं। अपने सहायक आप हों, अपने सहायक आप हों, होंगे सहायक प्रभु तभी। बस चाहने ही से किसी को सफलता मिलती नहीं। इसमें, इन पंक्तियों में मानवीय अनुभव का सार भरा हुआ है। स्वावलंबन का भाव प्रत्येक मनुष्य की उन्नति का कारण है। यदि बहुत से मनुष्यों में यह भाव पैदा हो जाता है तो उस देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। वर्ष 2020 पूरी तरह COVID-19 की गिरफ्त में रहा और दुनिया जैसे थम सी गई। विश्व की मजबूत से मजबूत अर्थव्यवस्थाएं इसके नकारात्मक प्रभाव से अछूती न रह सकी। सकल घरेलू उत्पाद ऋणात्मक हो गया और उसके नकारात्मक प्रभाव से भारतीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई। सकल घरेलू उत्पाद, रोजगार का स्तर, शिक्षा, अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र पर उसके गंभीर परिणाम हमें देखने को मिले। किंतु हर विपत्ति में कुछ न कुछ गंभीर और महत्वपूर्ण संदेश छुपे हुए होते हैं। हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण संदेश था आत्मनिर्भरता की आवश्यकता, आत्मनिर्भर देश। जब 12 मई 2020 को हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ की राहत पैकेज की घोषणा की, तो ये घोषणा अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान और देश के लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों के समाधान की ओर इंगित कर रही थी। इन मुद्दों को संबोधित भी कर रही थी और उनका समाधान भी प्रस्तुत कर रही थी। यह पैकेज भारत की जीडीपी का 10% था। इसी को आत्मनिर्भर भारत अभियान नाम दिया गया। आत्मनिर्भर भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मिशन और स्वप्न है, जो कि देश को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है। आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं तो हमें एक और नारा मिला, वोकल फॉर लोकल, यानी कि हम स्वदेशी की बात करें और स्वदेशी अपनाएं। अपने देश के उत्पाद की मांग, हमारे अपने उद्योगों को बढ़ावा देकर उत्पादन में वृद्धि और रोजगार के अवसर में वृद्धि करते हुए हम अपने देश का कल्याण करेंगे। आत्मनिर्भरता का अर्थ ये कतई नहीं कि हम विश्व से अपने देश को काट लें या विश्व से अपने आप को दूर कर लें, बल्कि इसका लक्ष्य है घरेलू उद्योगों का वैश्वीकरण, ताकि हम अपने देश को संपन्न देश बना सके। आत्मनिर्भर भारत के प्रत्येक वर्ग, कृषि, गरीब नागरिक, प्रवासी मजदूर, लघु और कुटीर उद्योग, पशुधन, मछुआरे, मध्यम वर्ग, संगठित और असंगठित क्षेत्र में
कार्यरत नागरिक, सभी रक्षा क्षेत्र, खनन, अंतरिक्ष के क्षेत्र, परमाणु ऊर्जा, ये सभी आत्मनिर्भर भारत मिशन से लाभान्वित होंगे। आत्मनिर्भर भारत के दो मूल विषय हैं, लोकल फॉर वोकल और दूसरा है मेड इन इंडिया टू मेक फॉर द वर्ल्ड। इन दो बातों को अपनाएं अगर हम, तो हम उस $5 trillion की अर्थव्यवस्था के सपनों को यथार्थ में परिवर्तित कर सकते हैं जिसका सपना हमने देखा। यदि हम विश्व की अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं की ओर दृष्टिपात करें तो हम ये पाते हैं कि तमाम विकसित देश अर्थव्यवस्था की मूल मंत्र को, आत्मनिर्भरता की मूल मंत्र को अपना कर ही विकास की ऊंचाइयों को छू सके हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब समस्त अर्थव्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई थी, तो उन समस्त अस्त व्यस्त अर्थव्यवस्थाओं ने आत्मनिर्भरता के आधार पर अपने आप को ऊपर उठाया। फिर चाहे वो जापान की अर्थव्यवस्था हो या अन्य दूसरे देशों की, भारत की अर्थव्यवस्था एक उपभोग केंद्रित अर्थव्यवस्था रही है। हमारी अर्थव्यवस्था को निर्यातोन्मुखी अगर हम बनाएं तो उसके लिए आवश्यक है कि हम लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया टू मेक फॉर द वर्ल्ड नारे को अपना कर चलें। आज जब हम ये पाते हैं कि हमारे व्यापार में घाटा है, तो इस व्यापार के घाटे से हमारे देश की स्वायत्तता, अस्मिता सब प्रभावित होती है, और इस स्थिति का एक ही उपाय है कि हम आत्मनिर्भरता को अपना लक्ष्य बना लें। हमारा सबसे जो एक सबसे बड़ी चीज है हमारे पास, हमारा जो धन जिसको हम कह सकते हैं, हम विश्व का सबसे युवा देश हैं, यंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पास प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन तो है ही, साथ ही सबसे अच्छी बात यह कि हम एक लोकतांत्रिक देश भी हैं, और हमारे यहाँ उत्पादन की मांग ऊंची है क्योंकि हमारे पास मानव संसाधन बहुत है। हमारे देश का नेतृत्व भी हमें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के हर प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। हमारे देश के पास वो सारे आवश्यक तत्व हैं जो हमें आत्मनिर्भरता की ओर ले जा सकते हैं, और वे साधन हैं, स्वयं के संसाधन हैं सभी, जनसंख्या, उत्पादन की मांग, आधारभूत संरचना जिस पर सरकार लगातार लगी हुई है, आप लगातार देख रहे हैं कितना कंस्ट्रक्शन आधारभूत संरचना में चल रहा है। अतः आत्मनिर्भरता $5 trillion अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि ये आत्मनिर्भरता हमारे अपने प्रयासों के बिना अधूरी है। हमें अपनी बौद्धिक संपदा, नव प्रवर्तन, इन पर काम करना होगा ताकि हम अपने देश को आत्मनिर्भर बना सकें। कार्यक्रम के आगे पार्ट के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रोफेसर नीलू जैन गुप्ता को पुनः आमंत्रित करती हूँ। प्रोफेसर नीलू जैन गुप्ता, मैं रुकी हूं आने वाली थोड़ी थोड़ी आवाजों के थम जाने के लिए। अभी थोड़ा समय है माहौल में पूरी तरह रम जाने के लिए। माननीय कुलाधिपति महोदया कुछ ही क्षणों में यहां आती होंगी। हम वाणी को विराम देकर अगर उनकी प्रतीक्षा के प्रति अपनी आतुरता को बढ़ा ले तो शायद हम इस माहौल का, इस वातावरण का पूरा इसको पूरी तरह से हम एंजॉय कर पाएंगे। तो बात चल रही थी, जो एक श्लोक था मैंने पढ़ा था, विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वम आपनोति धनादि धर्मम तथा सुखम। तो आह्वान क्यों कर रही थी मैं इस बात का कि आप विनयपूर्ण हो, क्योंकि आज आपके भविष्य की एक कड़ी है जो एक नए पायदान पर चली गई है। आपकी
जो सफलता है उसका पहला पायदान आज आपने छू लिया है और अब उसको अपने चरम उत्कर्ष पर ले जाने के लिए यह उत्साह, यह समारोह से जुड़ी हुई भावनाएं निरंतर आपको उनको जगाना होगा। मैं आह्वान करती हूं उन अभिभावकों का जो ऊपर की दीर्घा में बैठे हुए हैं, जिन्होंने रात की चाय कॉफी, बेटा तू पढ़ ले अभी चाय बना के देती हूँ, या बेटा तू पढ़ लेना काम करने की जरूरत नहीं है, एक बार मेरे प्यारे छात्रों एक भारी करतल ध्वनि उन अभिभावकों के लिए जो ऊपर की दीर्घा में बैठे हैं और जिनके कारण आज आप यहाँ पर हो। ये समय है दिखा देने का, ये समय है बता देने का कि आज का ये समारोह हम आपको समर्पित करते हैं और विश्वविद्यालय के ओर से अभिभावकों मैं आपका सादर अभिनंदन करती हूँ। माहौल को थोड़ा सरल बनाने के लिए देखिए कुछ चीजें बड़ी ऑफिशियल। चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ का 34वां दीक्षांत समारोह आयोजित होने जा रहा है। इस दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता विश्वविद्यालय की कुलाधिपति और इस प्रदेश की श्री राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी करेंगी। साथ ही इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर जतेंद्र कुमार बजाज जी, जो पद्मश्री सम्मानित हैं और साथ साथ अध्यक्ष हैं ICSR न्यू दिल्ली के, वो रहेंगे मुख्य अतिथि के रूप में। और इसमें विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर संगीता शुक्ला जी का सानिध्य रहेगा। स्थित इधर उधर नहीं जाना है, आवश्यकता पड़ भी गई तो कार्यकर्ता को अपने पास बुलाना है। मोबाइल लेकर आए हैं तो साइलेंट कर दो या फ्लाइट मोड या फिर स्विच ऑफ ही कर दो, आयोजकों का करो थोड़ा सहयोग, या फिर स्विच ऑफ ही कर दो, आयोजकों का करो सहयोग। उपाधि प्राप्त करना है मंच से, उत्तरीय बहुत ही जचता है, सौंदर्य से ज्यादा मान लो यह कार्यक्रम की आवश्यकता है। तो मैंने पहले भी कहा था आपसे उत्तरीय कृपया पहने रहिएगा। यदि पटका अभी नहीं मिला है देखो उदास न होना तुम, वैसे मुझे दिख रहा है अब यहाँ से स्पष्ट है कि पटका मिल चुका है, फिर भी कोई एक छात्र भी। हेलो, पटके से अभी रहित रह गया हो उसके लिए है, यदि पटका अभी नहीं मिला है देखो उदास ना होना तुम, जल्दी ही जाओ कार्यकर्ता के पास और उसको ले लेना तुम। दीक्षांत शोभा यात्रा, गेट नंबर 4 से प्रवेश करे जब अपने स्थान पर खड़े होकर उसको सम्मानित करना है तब। उपाधि पदक प्राप्त करता, ध्यान दें आप ये रखना, ऊपर पदक जब आना है दाई ओर से आपको ये बताया जाएगा कि आपको किस ओर से आना है और इस बार आपके अनुरोध के कारण लेफ्ट और राइट अगर आप अपने आसपास की दीवारों पर देखें ये लगा दिए गए हैं। किस ओर से आपको आना है तो आना बाई ओर से है आपको और सीढ़ी से चढ़ना है पदक लेकर वापस, तुम जब अपने स्थान पर जाओगे रास्ते में कार्यकर्ता की मदद से अपना स्थान पाओगे। किसी कारण अनुपस्थित रहे कोई तो मंच उद्घोष का आग्रह ना करिए। अगर कोई अनुपस्थित है, कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हमारा फलाना नहीं आ पाया है लेकिन आप अनाउंस कर दीजिए, ये नहीं हो पाएगा। किसी कारण अनुपस्थित रहे कोई मंच उद्घोष का आग्रह ना करिए। उपकुल सचिव प्रशासन, सामान्य प्रशासन से कार्य दिवस में फिर प्राप्त करिए। प्रमाण पत्र तैयार करने में थे सभी सावधान, फिर भी कोई त्रुटि हो गई हो यदि कोई उसका चाहिए निदान, त्रुटि सुधार की व्यवस्था हेतु इतना मानना
अंतर ना संपर्क साधना हमने बाहर व्यवस्था बनाए हैं, हमने बाहर व्यवस्था बनाए हैं। कुछ निर्णय तत्काल हैं होते। देखिए इस प्रोग्राम की ये एक समारोह ही नहीं, ये एक दीक्षांत समारोह है, वह भी हमारे विश्वविद्यालय का 34वां दीक्षांत समारोह। अतः इसकी कुछ मर्यादाएं हैं। कुछ निर्णय तत्काल हैं होते, सुविधा या असुविधा हो सकती, इसकी खातिर आपके सहयोग की अपेक्षा हूं मैं करती। शोभा यात्रा वापस प्रस्थान भी गेट 4 से ही होगा। शोभा यात्रा का वापस प्रस्थान भी गेट नंबर 4 से ही होगा। करतल ध्वनि सहित खड़े रहिएगा जब तक पूर्ण प्रस्थान संपन्न होगा, जब तक पूर्ण प्रस्थान संपन्न होगा। इसी के साथ मैं एक बार फिर अपनी सह उद्घोषिका को आमंत्रित करती हूँ, प्रोफेसर रीना सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह अभी मैंने अपने पूर्व वक्तव्य में आत्मनिर्भर भारत के ऊपर आप लोगों से थोड़ी बात की थी, उसी तरह रिसेंट डेवलपमेंट एक हुआ है, अगर आपने ध्यान दिया हो, और हमारे विद्यार्थियों को जो कुछ भी करंट अफेयर्स चल रहे हैं उनकी तरफ ध्यान देना भी चाहिए। जरूर ध्यान दिया होगा, आप सभी हमारे श्रेष्ठ विद्यार्थी हैं। भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण आया वैश्विक दृष्टि से, जब भारत ने 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना भारत के लिए एक विश्व में एक बहुत सम्मान की बात है। G20 20 देशों का एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, जिसमें विश्व के 20 बड़े विकसित और विकासशील देश शामिल हैं, और उनका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। भारत अगले वर्ष 2023 में 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में G20 देशों के नेताओं का एक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा, और वर्तमान में जो G20 के सदस्य देश हैं वो हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। G20 ग्रुप का जो गठन था वो 1999 में किया गया, और एक वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया, जिससे उस समय पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देश प्रभावित थे। इसका उद्देश्य मध्यम आय वर्ग वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिति को सुरक्षित रखना था। जो G20 की अध्यक्षता है वो हर साल सदस्यों के बीच घूमती रहती है, जो सदस्य देश हैं उनके बीच घूम करने वाला देश पिछले और अगले अध्यक्ष के साथ मिलकर G20 एजेंडा की निरंतरता सुरक्षित रखने के लिए ट्रोइका बनाता है। इंडोनेशिया, इटली और भारत अभी इस ट्रोइका के देश हैं। जो अवसर है G20 का, ये भारत को एक सुअवसर प्रदान कर रहा है, इस अर्थ में कि भारत विश्व में विश्व गुरु की भूमिका निभाते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर विश्व का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जिससे कि मानवता के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को हम कम कर सके। भारत संपूर्ण मानवता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के अवसर के रूप में इसको देख सकता है। और भारत ने जो अपनी मेन लक्ष्य इसमें रखे हैं उसमें है पर्यावरण,
महिलाओं के नेतृत्व में विकास, शांति और सुरक्षा, आर्थिक विकास, तकनीकी नवाचार इत्यादि। शोभा यात्रा धीरे धीरे आ रही है। आप सभी से अनुरोध है, शोभा यात्रा प्रेक्षागृह में प्रवेश कर रही है, कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े होकर शोभा यात्रा के स्थान ग्रहण करने तक सन्नो मित्र संवरुण सन्नो सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो अमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि अमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च तमश्च स्वाध्याय प्रवचने च समश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च ॐ शान्ति 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 सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों से अनुरोध है कि राष्ट्रगीत के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
माननीय कुलाधिपति महोदया, मुख्य अतिथि महोदय तथा कुलपति महोदया से अनुरोध है कि वाणी की देवी माँ सरस्वती के प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन करने की कृपा करें। पुनः अनुरोध है कि जल भरो कार्यक्रम करने की भी कृपा करें। आपो देवी रूपव्वये यत्र गावा पिबन्ति नः सिन्धुभ्यः कर्ता हवी। ओम शांति शांति शांति। देंगे गांव का कोई जल स्रोत हम दूषित न होने देंगे। जल है जीवन बूंद एक बर्बाद न करने देंगे। जल है जीवन बूंद एक बर्बाद न करने देंगे। गांव का कोई जल स्रोत हम दूषित न होने देंगे। गांव का कोई जल स्रोत हम दूषित न होने देंगे। जल है जीवन बूंद एक बर्बाद न। दीक्षांत समारोह की अग्रिम कार्यवाही के लिए मैं कुलसचिव महोदय से अनुरोध करती हूँ। कुलपति महोदया से अनुरोध है कि वे माननीय कुलाधिपति महोदया, विशिष्ट अतिथि महोदय एवं मुख्य अतिथि महोदय को श्रीफल, मिष्ठान एवं तुलसी पादप इत्यादि भेंट करने का स्वागत करने की कृपा करें। माननीय कुलाधिपति महोदया से मेरा अनुरोध है कि वे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय
34वें दीक्षांत समारोह की विधिवत शुभारंभ करने की घोषणा की कृपा करें। मैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के 34वें दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करती हूँ। कुलपति महोदय से अनुरोध है कि वे माननीय कुलाधिपति महोदय तथा मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत परिचय एवं विश्वविद्यालय की प्रगति आख्या प्रस्तुत करने की कृपा करें। नमस्कार। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के 34वें दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर कार्यक्रम अध्यक्ष माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार श्रीमती आनंदीबेन पटेल का स्वागत करती हूँ व नमन करते हुए विनम्रता पूर्वक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए मैं प्रोफेसर संगीता शुक्ला ससम्मान मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर जे के बजाज जी कार्य परिषद एवं विद्वत परिषद के सदस्यगण समस्त संकाय अध्यक्ष आचार्य व प्राचार्य शिक्षकगण अधिकारीगण कर्मचारीगण अतिथिगण पदक व उपाधि प्राप्तकर्ता विद्यार्थियों पत्रकारगण आप सभी महानुभावों का कुलपति के रूप में मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह में सनातनी विचारों की वाहक माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के आगमन से विश्वविद्यालय परिवार स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। यह हमारे लिए अत्यंत सम्मान का विषय है कि माननीय कुलाधिपति के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में न केवल यह विश्वविद्यालय बल्कि समूचा उत्तर प्रदेश एकेडमिक श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहा है और नित नूतन सोपानों की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश के सौभाग्यवश भारत के आदरणीय राष्ट्रपति द्वारा अत्यंत जुझारू व्यक्तित्व की स्वामिनी स्वर्ण पदकों व अनेक राष्ट्रीय सम्मान से सुसज्जित शिक्षक समाज सेवी राजनीतिक जनप्रिय श्रीमती आनंदीबेन पटेल को राज्यपाल मनोनीत किया गया। आपने अपने विशिष्ट कार्य शैली के साथ भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की एकता यात्रा में गुजरात प्रदेश से एकमात्र महिला के रूप में सहभागिता की। 2007 से 2014 तक लगातार आपकी सक्रियता और कार्यनिष्ठा के कारण आप राज्यसभा तथा विधानसभा की अनेक बार सदस्य एवं नेतृत्व करता रही। तत्पश्चात शिक्षा महिला एवं बाल विकास उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सूखा राहत शहरी विकास आदि विभागों की मंत्री रहते हुए उच्च स्तर का सुधार कार्य किया जिसके परिणाम स्वरूप जनता के असीम स्नेह द्वारा आपको 22 मई 2014 को गुजरात प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का सम्मान भी प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री के रूप में आपने गुजरात के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपने अपने कार्यकाल में सबसे कम समय में 100 से अधिक नगर नियोजन योजनाओं को सहमति दी। आपने गरीब बच्चों को मुफ्त इलाज हेतु माँ वत्सल योजना सभी वर्गों के निर्धन विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु युवा स्वावलंबन योजना विद्या लक्ष्मी बॉन्ड और विद्या दीप जैसी योजनाएं प्रारंभ करी। आपने सभी गैर व्यावसायिक वाहनों को टोल टैक्स से मुक्ति दिलाई। गुजरात को 100% ODF प्रदेश बनाया। जल संरक्षण के महत्व को स्थापित करते हुए नर्मदा नदी के जल को खेतों तक पहुंचाने की व्यवस्था की। गुजरात की महिलाओं के लिए कैंसर की मुफ्त जांच और चिकित्सा की व्यवस्था कराई। माताओं के लिए यशोदा अवार्ड। आपने 10,000 crore की लागत से ग्राम पंथों का निर्माण करवाकर गुजरात के विकास की गति को तीव्रतर किया। जनवरी 2018 से जुलाई 2019 तक आपने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद को सुशोभित किया। आपने 2018 से मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ की भी राज्यपाल रही। अत्यंत गर्व का विषय है कि हमारी सम्माननीय कुलाधिपति महोदया को अनेक सम्मानों से सुशोभित किया गया। सन 1958 से अब तक वीर बाला पुरस्कार शेष शिक्षक पुरस्कार सरदार पटेल पुरस्कार विद्या गौरव पुरस्कार पाटीदार शिरोमणि सम्मान अंबुभाई पुरानी व्यायाम विद्यालय तथा चारुमती युद्ध अवार्ड से सम्मानित किया गया। संपूर्ण भारत की यात्रा के अतिरिक्त आपने विभिन्न दायित्वों के अंतर्गत चाइना फ्रांस जर्मनी हॉलैंड इंग्लैंड अमेरिका कनाडा मेक्सिको आदि देशों की यात्रा की। राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों के अतिरिक्त साहित्यिक गतिविधियों में आपकी सक्रिय सहभागिता रही है। आपने धरती साधना एवं सखी पत्रिकाओं के लिए लेखन कार्य किया। ए मने हमेशा याद रहे शे गुजराती संस्करण प्रयास एवं प्रतिबिंब आपकी प्रकाशित कृतियां हैं।
आप सेहियर और ग्रामशी संस्थाओं के साथ सक्रिय रूप से संबंध हैं। आपने महत्वपूर्ण अभियान चलाए, जैसे टीबी के बच्चों को गोद लेना, गांवों को गोद लेना, महिला कल्याण एवं आंगनवाड़ियों का सशक्तिकरण। आपने उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों को NAC एक्रेडिटेशन, QS एंड NIRF रैंकिंग के लिए लगातार प्रयास कर सभी विश्वविद्यालयों को ग्लोबल रैंकिंग के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि उच्च शिक्षा का उद्देश्य स्वयं को समग्र रूप से श्रेष्ठतर बनाना और शिक्षण संस्थाओं को सशक्त करना है। ऐसी महान विभूति उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदया को इस दीक्षांत समारोह में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर जे के बजाज जी अप्रैल 2022 में इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च न्यू दिल्ली के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं। आप रिनाउंड फिजिसिस्ट, फेमस सोशल साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर बजाज जी ने साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी, इंडियन आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस डेमोग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ज्योग्राफी इत्यादि विषयों पर व्यापक कार्य किया। आपने पूर्वी भारत की ट्राइब्स के साथ अत्यंत प्रभावी और प्रत्यक्ष संवाद किया। प्रेजेंटली डॉक्टर जे के बजाज ऑल्सो होल्ड्स द प्रेस्टिजियस ऑनररी पोजिशंस ऑफ बींग मेंबर National Committee to celebrate 75 years of Indian independence and celebration of 150th birth anniversary of Mahatma Gandhiji. A hardcore researcher, Dr. Bajaj has published 11 books. Dr. Bajaj को उनकी सेवाओं व उपलब्धियों के आलोक में 2022 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। मैं आज के इस दीक्षांत समारोह में डॉक्टर बजाज का हार्दिक स्वागत करती हूँ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह में समस्त पदक एवं उपाधि प्राप्तकर्ता छात्र छात्राओं को इस सुखद क्षण में स्वागत करती हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं। प्रगति आख्या विश्वविद्यालय की चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का परिसर लगभग 221 एकड़ में फैला है। विश्वविद्यालय से उत्तर प्रदेश के 6 जिले में 684 कॉलेज संबद्ध हैं, जिसमें लगभग 4.5 लाख छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में 1500 से अधिक छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप प्राप्त हो रही है। विश्वविद्यालय द्वारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड कैरियर काउंसलिंग द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से लगभग 2800 छात्र छात्राएं लाभान्वित हुए हैं। विश्वविद्यालय के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि विश्वविद्यालय रिसर्च में सिमैगो इंस्टीट्यूशन रैंकिंग में उत्तर प्रदेश में प्रथम, देश में 68th और विश्व में 542 नंबर पर है। नेचर इंडेक्स जो टॉप एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग करता है रिसर्च में, उसमें हमारा स्थान देश में 108वें नंबर पर है। URAP वर्ल्ड रैंकिंग एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस के द्वारा विश्वविद्यालय का देश में 132वां नंबर है। वेबोमेट्रिक्स रैंकिंग में देश में हम 114 स्थान पर हैं। पत्रकारिता में इंडिया टुडे रैंकिंग में उत्तर प्रदेश में द्वितीय स्थान और भारत में 6वें स्थान पर है। इसके अतिरिक्त खेलो इंडिया प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश में प्रथम तथा पूरे देश में 15वें स्थान पर है। विश्वविद्यालय ने प्रगति हेतु इस वर्ष 13 पॉलिसीज का निर्माण किया, जिसमें मुख्य रिसर्च एंड इनोवेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एथिक्स एंड वैल्यू, इंक्यूबेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इंडस्ट्री कंसल्टेंसी इत्यादि हैं। विश्वविद्यालय एक क्वार्टरली न्यूज़लेटर द इनसाइट प्रकाशित कर रहा है, जिसमें विश्वविद्यालय की विभिन्न सूचनाएं उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय ने इस सत्र में 22-23 में लगभग 16 नवीन पाठ्यक्रम संचालित करे, जिसमें MTech एंड LLB 3 years प्रमुख हैं। विश्वविद्यालय ने अपने शोध की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए। विश्वविद्यालय की एच इंडेक्स 41 है, साइटेशन इंडेक्स 11.66 है, जो कि एक्सेलेंट श्रेणी में आती है। विश्वविद्यालय ने इस वर्ष 47 वर्कशॉप सिंपोजिया आयोजित किए, 52 MOUs किए जिसमें 13 इंटरनेशनल हैं, 39 पेटेंट्स फाइल किए जिसमें 16 पेटेंट्स पब्लिश हुए। छात्रों को शोध के सहयोग फेलोशिप्स को 2500 रुपये से लेकर 5000 रुपये पर मंथ बढ़ाया गया और संख्या उनकी 35 से 50 की गई। इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई, जिसमें रुपये 5000 से 50000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। छात्र छात्राओं के लिए सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी की स्थापना की गई। शिक्षकों को शोध हेतु 123 लाख की सीड मनी प्रदान की गई। अनुसंधान नवाचारों के लिए 41, एक्सटेंशन एक्टिविटीज के लिए 40 पुरस्कार विश्वविद्यालय को प्राप्त हुए। UGC की वेबसाइट पर 387 शोध पत्र इस साल प्रकाशित हुए, 142 बुक्स एंड चैप्टर्स प्रकाशित हुए,
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में हम लोगों ने कंसल्टेंसी में 62 लाख इस साल प्राप्त किए। लगभग 4000 विद्यार्थियों ने एक्सटेंशन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया। एडजंक्ट फैकल्टी देश विदेश के अनेक प्रोफेसर इस विश्वविद्यालय से इस साल संबद्ध हुए। महिलाओं के उत्थान के लिए विश्वविद्यालय में महिला अध्ययन केंद्र तथा महिला हेल्थ क्लब उपलब्ध है। 15 से अधिक विमेन सेंट्रिक कोर्सेज स्टार्ट किए। महिलाओं के लिए महिला शक्ति के अंतर्गत निरंतर कार्यक्रम और वर्कशॉप आयोजित की जाती है। विश्वविद्यालय में खेलों से संबंधित सफिशियंट आउटडोर इंडोर सुविधाएं हैं, इंक्लूडिंग जॉगिंग ट्रैक, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट फील्ड्स, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और खो खो और कबड्डी कोर्ट उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय की राजा महेंद्र प्रताप सेंट्रल लाइब्रेरी फुली ऑटोमेटेड है, जिसमें बुक्स एवं जर्नल्स को ऑनलाइन लेने व देखने की व्यवस्था है। लाइब्रेरी में 1000 से अधिक ई कंटेंट उपलब्ध हैं। दृष्टिबाधित दिव्यांगजन के लिए ब्रेल सॉफ्टवेयर एवं RFID भी उपलब्ध है। विश्वविद्यालय निरंतर फाइनेंशियल ऑडिट, ग्रीन ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, एनवायरमेंट ऑडिट कराता रहता है, इसलिए विश्वविद्यालय को अनेकों पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। माननीय कुलाधिपति महोदया स्वयं भी शैक्षणिक गुणवत्ता व विश्वविद्यालय के सामाजिक दायित्वों के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं व समुचित मार्गदर्शन समय समय पर हमें प्रदान करती रहती हैं। माननीय कुलाधिपति महोदया के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय ने लगभग 503 आंगनवाड़ी गोद लिए हैं। 200 TB पेशेंट रोगियों को गोद लिया है, जिसमें से 102 लगभग ठीक हो चुके हैं। इसके साथ डिजी शक्ति, मिशन शक्ति, ब्लड डोनेशन कैंप, अवेयरनेस ऑन सर्वाइकल कैंसर, न्यूट्रिशन एंड डाइट फॉर प्रेग्नेंट मदर्स, बेटी पढ़ाओ उन्नत भारत अभियान में, अब इन अभियानों के कारण गर्ल्स का एनरोलमेंट बॉयज की तुलना में इस वर्ष अधिक हुआ है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने कठिन परिश्रम से विश्वविद्यालय की यश पटाखा देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी फहराई है। मैं अपेक्षा करती हूँ कि भविष्य में हमारे विद्यार्थी और भी अधिक लक्ष्य केंद्रित होकर अध्ययन करेंगे, जिससे विश्वविद्यालय के साथ साथ उनका और उनके परिवार का नाम भी गौरवान्वित होगा। हमारी कामना है कि हम सब भारतीय मनीषा की उच्चतर अपेक्षाओं को के अनुरूप अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हों एवं एकाग्रचित्त भाव से राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगे रहें। इस दीक्षांत समारोह में मैं आपकी गरिमामयी उपस्थिति तमुझा आपके सामने प्रकृति आख्या प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विश्वविद्यालय के विकास को प्रस्तुत करते हुए इस अवसर के लिए मैं प्रोफेसर संगीता शुक्ला आप सभी को कृतज्ञ ज्ञापित अर्पित करती हूँ तथा दीक्षांत समारोह के आयोजन एवं संचालन के लिए आप सभी सहयोगों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। संकाय अध्यक्ष कृषि से अनुरोध है कि वे अपने संकाय की विभिन्न परीक्षाओं में उपाधि, पदक एवं विशिष्ट योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्तकर्ता समस्त विद्यार्थियों को कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें। कृषि संकाय के समस्त विद्यार्थी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। महोदया, मैं आपके समक्ष कृषि संकाय में PhD परिसर की कृषि निस्तारण की उपाधि तथा इस संकाय की विभिन्न परीक्षाओं में पदक एवं विशिष्ट योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्तकर्ता समस्त विद्यार्थियों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। परीक्षा के उपरांत ये योग्य प्रमाणित हो चुके हैं। मेरी प्रार्थना है कि इन्हें उक्त उपाधियां प्रदान करने की कृपा करें। संकाय अध्यक्ष कला से अनुरोध है कि वे अपने संकाय की विभिन्न परीक्षाओं में उपाधि, पदक एवं विशिष्ट योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करता समस्त विद्यार्थियों को कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें। कला संकाय के समस्त विद्यार्थी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। महोदया, मैं आपके समक्ष कला संकाय में डीलिट PhD परिषद की कला निष्णात तथा इस संकाय की विभिन्न परीक्षाओं में पदक एवं विशिष्ट योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करता समस्त विद्यार्थियों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। परीक्षा के उपरांत ये योग्य प्रमाणित हो चुके हैं। मेरी प्रार्थना है कि इन्हें उक्त उपाधियाँ प्रदान करने की कृपा करें। संकाय अध्यक्ष वाणिज्य व्यावसायिक प्रशासन से अनुरोध है कि वे अपने संकाय की विभिन्न परीक्षाओं में उपाधि, पदक एवं विशिष्ट योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करता समस्त विद्यार्थियों को कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें। वाणिज्य एवं व्यावसायिक प्रशासन संकाय के समस्त विद्यार्थी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। महोदया, मैं आपके समक्ष वाणिज्य एवं व्यावसायिक प्रशासन संकाय में PhD
परिसर की वाणिज्य एवं व्यावसायिक प्रशासन निष्णात एवं स्नातक उपाधि तथा इस संकाय की विभिन्न परीक्षाओं में पदक एवं विशिष्ट योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्तकर्ता समस्त विद्यार्थियों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। परीक्षा के उपरांत ये योग्य प्रमाणित हो चुके हैं। मेरी प्रार्थना है कि इन्हें उक्त उपाधियां प्रदान करने की कृपा करें। संकाय अध्यक्ष शिक्षा से अनुरोध है कि वे अपने संकाय की विभिन्न परीक्षाओं में उपाधि पदक एवं विशिष्ट योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्तकर्ता समस्त विद्यार्थियों को कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें। शिक्षा संकाय के समस्त विद्यार्थी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। महोदया, मैं आपके समक्ष शिक्षा संकाय में PhD परिसर की शिक्षा निष्णात तथा इस संकाय के विभिन्न परीक्षाओं में पदक एवं विशिष्ट योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्तकर्ता समस्त विद्यार्थियों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। परीक्षा के उपरांत ये योग्य प्रमाणित हो चुके हैं। मेरी प्रार्थना है कि इन्हें उक्त उपाधियाँ प्रदान करने की कृपा करें। संकाय अध्यक्ष अभियंत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी से अनुरोध है कि वे अपने संकाय की विभिन्न परीक्षाओं में उपाधि पदक एवं विशिष्ट योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्तकर्ता समस्त विद्यार्थियों को कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें। अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के समस्त विद्यार्थी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। महोदया, मैं आपके समक्ष अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय की विभिन्न परीक्षाओं में उपाधि पदक एवं विशिष्ट योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्तकर्ता समस्त विद्यार्थियों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। परीक्षा के उपरांत ये योग्य प्रमाणित हो चुके हैं। मेरी प्रार्थना है कि इन्हें उक्त उपाधियां प्रदान करने की कृपा करें। संकाय अध्यक्ष विधि से अनुरोध है कि वे अपने संकाय की विभिन्न परीक्षाओं में उपाधि पदक एवं विशिष्ट योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्तकर्ता समस्त विद्यार्थियों को कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें। विधि संकाय के समस्त विद्यार्थी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। महोदया, मैं आपके समक्ष विधि संकाय में LLD परिसर की विधि निष्णात एवं स्नातक उपाधि तथा इस संकाय की विभिन्न परीक्षाओं में पदक एवं विशिष्ट योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्तकर्ता समस्त विद्यार्थियों को प्रस्तुत कर रही हूँ। परीक्षा के उपरांत ये योग्य प्रमाणित हो चुके हैं। मेरी प्रार्थना है कि इन्हें उक्त उपाधियां प्रदान करने की कृपा करें। संकाय अध्यक्ष चिकित्सा से अनुरोध है कि वे अपने संकाय की विभिन्न परीक्षाओं में उपाधि पदक एवं विशिष्ट योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्तकर्ता समस्त विद्यार्थियों को कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें। चिकित्सा संकाय के समस्त विद्यार्थी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। महोदया, मैं आपके समक्ष चिकित्सा संकाय में DM, MD, MS, MDS, MBBS तथा BDS की उपाधि डिप्लोमा तथा इस संकाय की विभिन्न परीक्षाओं में पदक एवं विशिष्ट योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्तकर्ता समस्त विद्यार्थियों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। परीक्षा के उपरांत ये योग्य प्रमाणित हो चुके हैं। मेरी प्रार्थना है कि इन्हें उक्त उपाधियों डिप्लोमा प्रदान करने की कृपा करें। संकाय अध्यक्ष विज्ञान से अनुरोध है कि वे अपने संकाय की विभिन्न परीक्षाओं में उपाधि पदक एवं विशिष्ट योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्तकर्ता समस्त विद्यार्थियों को कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें। विज्ञान संकाय के समस्त विद्यार्थी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। महोदया, मैं आपके समक्ष विज्ञान संकाय में PhD परिसर की विज्ञान निष्णात स्नातक उपाधि तथा इस संकाय की विभिन्न परीक्षाओं में पदक एवं विशिष्ट योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्तकर्ता समस्त अभ्यर्थियों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। परीक्षा के उपरांत ये योग्य साबित हो चुके हैं। मेरी प्रार्थना है कि इन्हें उक्त उपाधियां प्रदान करने की कृपा करें। संकाय अध्यक्ष आयुर्वेद एवं यूनानी से अनुरोध है कि वे कृपया अपने संकाय की विभिन्न परीक्षाओं में पदक एवं विशिष्ट योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्तकर्ता समस्त विद्यार्थियों को कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें। आयुर्वेद एवं यूनानी संकाय के समस्त विद्यार्थी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। महोदया, मैं आपके समक्ष आयुर्वेद एवं यूनानी संकाय की विभिन्न परीक्षाओं में पदक एवं विशिष्ट योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्तकर्ता समस्त विद्यार्थियों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। परीक्षा के उपरांत ये योग्य प्रमाणित हो चुके हैं। मेरी प्रार्थना है कि इन्हें पदक एवं प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। कुलपति महोदय से अनुरोध है कि समस्त संकायों के उपाधि प्राप्तकर्ता विद्यार्थियों को प्रतिज्ञा कराने की कृपा करें। मैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के कुलपति के पद में निहित अधिकार से विश्वविद्यालय में प्रख्यापित समस्त संकायों के विभिन्न उपाधि पदक एवं विशिष्ट योग्यता प्रमाण पत्र
प्राप्तकर्ता समस्त विद्यार्थियों को उक्त उपाधियों में प्रविष्ट करती हूँ और आदेश देती हूँ कि आप आजीवन इस उपाधि के योग्य सिद्ध हों। हम प्रतिज्ञा करेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम आजीवन इस उपाधि के योग्य सिद्ध होंगे। थैंक यू। समस्त संकायों के पदक एवं विशिष्ट योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करता अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी उपाधि प्राप्त करता विद्यार्थी आदेश एवं उपदेश ग्रहण करने हेतु अपने अपने स्थान पर पुनः खड़े हो जाएं। सभी उपाधि प्राप्त करता विद्यार्थी आदेश और उपदेश ग्रहण करने हेतु अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। माननीय कुलाधिपति महोदया से अनुरोध है कि वह समस्त विद्यार्थियों को दीक्षोपदेश देने की कृपा करें। मैं तुमको इस प्रकार प्रबोधन देती हूँ, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, गृहस्थ धर्म का पालन करो, कल्याणकारी कार्यों में प्रमाद मत करो, ज्ञान के प्रसार और स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, देवों और पितरों के प्रति कर्तव्य का पालन करो, माता पिता को देवता के समान समझो, आचार्यों को देवता के समान समझो, अतिथि को देवता के समान समझो, जो अनिंदित कर्म है केवल उन्हीं को करो, जो हमारे अच्छे आचरण है वे ही तुम्हारे द्वारा ग्रहणीय है अन्य नहीं। यदि तुम्हें कर्म अथवा आचरण के विषय में संदेह हो तो जो विवेकशील कर्मरत सहृदय और धर्मानुरागी पुरुष हो उनके आचरण को आदर्श मानकर कार्य करो। यही आदेश है, यही उपदेश है, यही धर्म ग्रंथ का रहस्य है, यही अनुशासन है, इसका इसी रीति से पालन करो। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम आजीवन इस दीक्ष उपदेश का पालन करेंगे। समस्त उपाधि प्राप्त करता अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। माननीय कुलाधिपति महोदया, मैं आपके समक्ष विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षाओं में पुरस्कृत किए जाने वाले योग्य विद्यार्थियों को प्रस्तुत कर रही हूं। मेरा अनुरोध है कि कृपया इन्हें पदक व पुरस्कार प्रदान करने की कृपा करें। माननीय कुलाधिपति महोदया, विधि संकाय की छात्रा सुरुचि LLM वर्ष 2022, कुलाधिपति स्वर्ण पदक शंकरदास शर्मा स्वर्ण पदक एवं कुलपति स्वर्ण पदक प्रदान करेंगे। माननीय कुलाधिपति महोदय, कला संकाय की छात्रा आरजू गिल MFA ड्राइंग एंड पेंटिंग वर्ष 2022, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकरदास शर्मा स्वर्ण पदक। कला संकाय छात्रा आरजू गिल MFA ड्राइंग एंड पेंटिंग। माननीय कुलाधिपति महोदया, किसान ट्रस्ट नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित चौधरी चरण सिंह स्मृति प्रतिभा पुरस्कार वर्ष 2022 BSc कृषि परीक्षा में प्रथम स्थान। माननीय कुलाधिपति महोदया, किसान ट्रस्ट नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित चौधरी चरण सिंह स्मृति प्रतिभा पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए BSc कृषि परीक्षा में द्वितीय स्थान। माननीय कुलाधिपति महोदया, मैं आपके समक्ष विश्वविद्यालय की वर्ष 2022 की परीक्षा में प्रायोजित स्वर्ण पदक के प्रमाण पत्र हेतु योग्य अभ्यर्थियों को प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें स्वर्ण पदक के प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। सोनिया रानी MA हिंदी,
सोनिया रानी एमए हिंदी, केशव दत्त लोहनी स्मृति पुरस्कार, जगदेव स्वतंत्रता संग्राम स्वर्ण पदक, डॉक्टर सुबोध गर्ग स्वर्ण पदक, कुलपति स्वर्ण पदक, उर्वशी कश्यप एमए इतिहास, मुकुल अग्रवाल बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग, पंडित मधुसूदन स्वर्ण पदक, गिरिराज किशोर स्वर्ण पदक, केतन नागर एमएससी सांख्यिकी, प्रोफेसर बनवारी लाल स्वर्ण पदक, प्रोफेसर एलआर स्वर्ण पदक, कुलपति स्वर्ण पदक, सगुन त्यागी एमएससी भौतिकी, पुष्पलता प्रायोजित स्वर्ण पदक, डॉक्टर बाई डी गुप्ता स्वर्ण पदक, कुलपति स्वर्ण पदक, राधिका खन्ना एमए अर्थशास्त्र, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्वर्ण पदक, डॉक्टर तृप्ता स्वर्ण पदक, लवानिया राणा एमए अंग्रेजी, नानपुर स्वर्ण पदक, सुंदरलाल स्वर्ण पदक, ललित भारद्वाज एमएससी गणित, डॉक्टर प्रेम कंसल स्वर्ण पदक, कैलाश प्रकाश स्वर्ण पदक, मनु बैसला एमए अर्थशास्त्र, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्वर्ण पदक, महक चौहान एमए मनोवैज्ञानिक, आरपी चड्डा स्वर्ण पदक, मोनिका रानी एम ए संस्कृत, श्री निवास स्मृति स्वर्ण पदक, कुलपति स्वर्ण पदक, आस्था शर्मा एम ए समाजशास्त्र, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्वर्ण पदक, कुलपति स्वर्ण पदक, अरसी खान एम ए उर्दू, मौलाना अरसी स्वर्ण पदक, कुलपति स्वर्ण पदक, वंशिका सैनी एमजेएमसी, अतुल महेश्वरी स्वर्ण पदक, कुलपति स्वर्ण पदक, मोहित अग्रवाल एमएससी कृषि जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, चौधरी चरण सिंह स्वर्ण पदक, कुलपति स्वर्ण पदक, कृतिका रस्तोगी एमबीए, गोपीचंद रस्तोगी स्वर्ण पदक, कुलपति स्वर्ण पदक, मुस्कान सिंगल एमकॉम, मुरारीलाल स्वर्ण पदक, कुलपति स्वर्ण पदक, आस्था सहरावत बीकॉम, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया प्राइवेट स्वर्ण पदक, कुलपति स्वर्ण पदक, सिमरन टुटेजा बीबीए, आरपी चड्डा स्वर्ण पदक, कुलपति स्वर्ण पदक, कोमल गांधी एलएलबी, दाताराम सिंगल स्वर्ण पदक, कुलपति स्वर्ण पदक, बेबी एमएससी कृषि माइक्रोबायोलॉजी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, कुलपति स्वर्ण पदक, कीर्ति त्यागी एमएससी गृह विज्ञान टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग, गिरनी देवी मोदी स्वर्ण पदक, कुलपति स्वर्ण पदक, शिखा पवार एमएससी गृह विज्ञान फूड एंड न्यूट्रिशन, गिरनी देवी स्वर्ण पदक, कुलपति स्वर्ण पदक, आयुषी पारासर एमएससी टॉक्सिकोलॉजी, प्रवीण सिंह स्मृति पुरस्कार स्वर्ण पदक, कुलपति स्वर्ण पदक, आभा पाल एमएससी जंतु विज्ञान, डॉक्टर आरसी स्वर्ण पदक, कुलपति स्वर्ण पदक, मानवी सिंह एमएससी रसायन, चौधरी चरण सिंह स्वर्ण पदक, कुलपति स्वर्ण पदक,
सानिया प्रवीण बीएससी गृह विज्ञान, गिन्नी देवी स्वर्ण पदक, कुलपति स्वर्ण पदक, प्रीति शर्मा बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, आरपी मेरिटोरियस स्वर्ण पदक, कुलपति स्वर्ण पदक, मान्या शर्मा बीसीए, आरपी चड्डा स्वर्ण पदक, कुलपति स्वर्ण पदक, सैफाली चंद्रवंशी एलएलएम शंकर दयाल मेमोरियल स्वर्ण पदक, कुलपति स्वर्ण पदक, अश्वनी कुमार एमए हिंदी चौधरी चरण सिंह स्वर्ण पदक, मृणाली त्यागी एमए राजनीति विज्ञान एचएस चतुर्वेदी स्वर्ण पदक, रीशु शर्मा एमए मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर जेपी श्रीवास्तव स्मृति स्वर्ण पदक, वंदना एमए संस्कृत चौधरी चरण सिंह प्रायोजित स्वर्ण पदक, गरिमा राठी एमए क्या नाम गरिमा राठी एमए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मृति स्वर्ण पदक, राहुल यादव एमपीएड दारा सिंह स्मृति स्वर्ण पदक, नेहा चौधरी एमएससी वनस्पति बीपुरी प्रायोजित स्वर्ण पदक, आशुतोष पाल प्रोफेसर बीपुरी स्वर्ण पदक, मानसी माहेश्वरी रामवतार सिंगल स्मृति स्वर्ण पदक, विदुषी अग्रवाल जेपी एलएस प्रायोजित स्वर्ण पदक, आरती एमएससी प्रकाशवती प्रायोजित स्वर्ण पदक, विशाखा एमएससी एलाइड माइक्रोबायोलॉजी एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी रामचरण सिंह स्मृति स्वर्ण पदक, जानवी दहिया एमएससी बायोटेक्नोलॉजी आरपी चड्डा मेरिटोरियस स्वर्ण पदक, आकांक्षा गुणवंत एमएससी जंतु विज्ञान, प्रगति राठी बीएससी गणित प्रोफेसर महेंद्र कुमार सिंगल स्वर्ण पदक, तो पूरे हो गए ना, फिर ये वो आएंगे ना, तो 10-10 नंबर के क्या नाम सौरभ शुक्ला एमएससी कृषि बोटनी, रिया गैरा एमएससी कृषि प्लांट पैथोलॉजी, राजीव कुमार एमए अंग्रेजी, कुमारी गुलिस्ता एमए भूगोल, मिसबा जैवी एमए इतिहास, आशा रानी एमए राजनीति विज्ञान,
नितिन भारद्वाज एमए दर्शन शास्त्र। नितिन भारद्वाज एमए दर्शन शास्त्र ये सभी कुलपति स्वर्ण पदक के लिए हैं। हिमानी मित्तल एमए विजुअल आर्ट एंड ड्राइंग पेंटिंग। अंकित चौहान एमए दक्षा अध्ययन। राधिका सिंगल एमए गणित। सुरभि कौल एमए संगीत। कुमारी ज्योति एमए गृह विज्ञान। अच्छा, काजल एमए शारीरिक शिक्षा। शिवानी एमए योग विज्ञान। सत्कार सत एम एफ ए ड्राइंग एंड पेंटिंग। शैली एम एफ ए फैशन डिजाइनिंग। अन्य तोमर एम एफ ए टेक्सटाइल। आयुषी जैन एम एस सी अप्लाइड साइंस। स्मृति मिश्रा एम लिब। डेल्सिया मैथ्यू MPA। राजीव कुमार MSW। आर्ची कंपोज MPES। भावना पाल BA। खुशी प्रजा पवार BJMC। रवीना बिलीव। दीपिका BFA। विशाल चौधरी BA हिंदी ऑनर्स। खुशबू चौधरी BA अर्थशास्त्र। प्रांजुल अरोड़ा BA BCOM योगिक विज्ञान। शुभांगी अरोड़ा बीबॉक अप्लाइड क्लिनिक साइकोलॉजी। प्रीति कुशवाहा डिप्लोमा इन फ्रेंच लैंग्वेज। मुस्कान गोयल सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन रशियन। मीठी कमरा सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन फ्रेंच। मयंक मलिक एडवांस डिप्लोमा इन रशियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। योगेश कुमार PG डिप्लोमा इन रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। उमंग शर्मा डिप्लोमा इन रशियन लैंग्वेज। प्रीति त्यागी PG डिप्लोमा इन योगा साइंस। तुषार गोयल डिप्लोमा इन ज्योतिर्विज्ञान। प्रदीप सिंह डिप्लोमा इन कर्मकांड। सरगम BPES। शिवानी यादव बीबॉक एयरलाइंस टूरिज्म हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट। सूजा अब्बास PG डिप्लोमा इन फिल्म प्रोडक्शन। जितेंद्र सिंह डिप्लोमा इन ज्योतिर्विज्ञान। गौरव शर्मा डिप्लोमा इन कर्मकांड। शुभम सिंगल MIB। लोकमान सिंह अधिकारी MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन।
मुस्कान खरबंदा बीकॉम ऑनर्स। मुस्कान खरबंदा बीकॉम ऑनर्स। निधि सूर्यवंशी एमबीए। कुमारी कुलजीत कौर एमपीएड। मारत त्यागी बीपीएड। कुमारी गरिमा राणा बीएबीएड। शिवानी वंसल बीएलएड। नीलू एमएड। कुमारी वंदना बीएड। हिना मरवा एमएड। नेहा नेगी इंटीग्रेटेड एमटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। प्रभा शुक्ला एमसीए त्रिवर्षीय। कोमल चौधरी एमसीए द्विवर्षीय। शुभ्रांशु बीटेक कंप्यूटर साइंस। आदित्य बारसणे बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सिल्की बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आभा मिश्रा बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। अंकिता सिंह बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। जागृति अग्रवाल बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। सुनुधि पांडे बीएएलएलबी। निधि झा एमपीटी। अरुण कुमार राममूर्ति एमओटी। श्रद्धा साकिया एमडीएस। शिवानी एमएससी नर्सिंग। निहित खरकवाल डीएम एंडोक्रोनोलॉजी। अंकित जैन एमडी एनेस्थीसिया। गार्गी पांडे एमडी कम्युनिटी मेडिसिन। अमन सेथिया एमडी मेडिसिन। दिव्या खुशबू निर्वाल एमएस ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। निधि सिंह एमडी पेडियाट्रिक्स। कोमल सैनी एमडी पैथोलॉजी। आशीष पंचाल एमडी फिजियोलॉजी। शिल्पा एमडी साइकेट्री। विट्ठल शुक्ला एमडी रेडियो डायग्नोसिस। पूजा सिंह एमडी डीबीएल। आशुतोष बिश्नोई एमडी फार्माकोलॉजी। कल्पना कृपा सागर एमडी ट्यूबरक्लोसिस। गर्विता डवास एमएस ऑप्थोमोलॉजी। दीपांशु माहेश्वरी एमएस ऑर्थोपेडिक्स। रचित राज एमएस जनरल सर्जरी। ख्याति कुशवा एमएस ईएनटी। मधु तोमर एमबीबीएस द्वितीय प्रोफेशनल।
चारुल सोलंकी MBBS तृतीय प्रोफेशनल पार्ट प्रथम। सिमरन MBBS तृतीय प्रोफेशनल पार्ट द्वितीय। पूजा शर्मा BPT। शीतल गर्ग BOT। मोहित गौतम BAMLT। तृप्ति कपूर BRD DIT। यश गांधी BMS। शीतल BSc नर्सिंग। कुमारी रूबी पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। प्रियंका बंधु BDS। त्रिषा त्यागी BSc ऑप्टोमेट्री। सालू सैनी MSc कंप्यूटर साइंस। स्वाति शर्मा MSc अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। विधि करदम MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। कृपया शांति बनाए रखें, विनम्र निवेदन है, कृपया शांति बनाए रखें। वर्णिका यादव MSc वनस्पति विज्ञान। कुणाल MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स। वेदई भुर्जी MSc बायोकेमिस्ट्री। विवेक कुमार MSc एनवायरमेंट साइंस। विशाखा शर्मा MSc गृह विज्ञान ह्यूमन डेवलपमेंट्स। मुस्कुराना MSc गृह विज्ञान होम मैनेजमेंट। पलक गोयल MSc गणित। आदर्श प्रताप सिंह MSc पॉलीमर साइंस। आकांक्षा काजल MSc भूगोल। अंजू मलिक MSc योग विज्ञान। समा परवीन BSc। नंदनी शर्मा BSc गृह विज्ञान क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। अनमोल भारद्वाज BSc शारीरिक शिक्षा एवं स्पोर्ट्स। स्नेहा BSc फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड सेफ्टी। आंचल वर्मा BSc रसायन ऑनर्स। शिवानी शर्मा BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स। शिवानी शर्मा BSc माइक्रोबायोलॉजी। श्रुति सिंह BSc कंप्यूटर साइंस। सिप्रा कौशिक सर्टिफिकेट कोर्स इन वैदिक गणित। आचल नागर BVOC मेडिकल लैब एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी। श्वेता पालीवाल MD आयुर्वेद। पूजा मीना MD आयुर्वेद क्रिया चिकित्सा। विवाह मोहन MD आयुर्वेद पंचकर्म। ज्योति कुमारी MS आयुर्वेदिक प्रसूति एवं स्त्री रोग। जितेंद्र पांडे MSc आयुर्वेद सल। जवेरिया हाशमी MD यूनानी मौलाजात। जितेंद्र पांडे MS आयुर्वेद सल। जवेरिया हाशमी MD यूनानी मौलाजात। MS रविउद्दीन MD यूनानी मुनायु फ्यूल अजा। साहिदा बेगम MS यूनानी कवालात व अमरेज निस्वान तिव। सैफुर रहमान MS यूनानी इल्मुल जराहत।
नगमा खान बीएमएस, हीरा परवीन बीयूएमएस। मैं दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि चेयरमैन ICSSR न्यू दिल्ली पद्मश्री डॉक्टर जे के बजाज जी से अनुरोध करती हूँ कि वे दीक्षांत भाषण देने की कृपा करें। स्वतंत्रता प्राप्ति के इस 75वें वर्ष में भारत के अमृतोत्सव के इस काल के प्रारंभ में ये आयोजित यहाँ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के 34वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रही उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल एवं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की माननीय कुलाधिपति महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, आज के विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री, विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर संगीता जी शुक्ला, विश्वविद्यालय के समस्त संकाय अध्यक्ष, कार्य परिषद और विद्वत परिषद के सदस्यगण, विश्वविद्यालय के सम्मानित शिक्षकगण, कर्मचारीगण, इस समारोह के मुख्य हेतु आज जिनकी दीक्षा संपन्न हो रही है, ऐसे समस्त विद्यार्थीगण, पत्रकार बंधुओं एवं भगनियों, देवियों और सज्जनों, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपना विशिष्ट स्थान रखने वाली मेरठ की इस पवित्र धरती पर भारत की सनातन नीति में प्रतिष्ठापित भारत के कृषकों के विशिष्ट स्थान को पुनर्स्थापित करवाने में महान योगदान देने वाले सत्याग्रही राजनेता चौधरी चरण सिंह के नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से सुशोभित इस प्रेक्षागृह में इस अवसर पर एकत्रित आप सब महाभागों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मुझे इतनी बड़ी संख्या में अत्यंत प्रतिभाशाली, बहुत ब्राइट युवा युवतियों को मिलने का अवसर मिला, इसके लिए मैं सर्वदा आभारी रहूंगा। ऐसा अवसर कम आता है। भारतीय परंपरा और भारतीय सभ्यता के मूलभूत साहित्य में दीक्षांत को बहुत महत्व दिया गया है। यह वह संधि वेला है जब आप जीवन की एक अवस्था को पूर्ण कर दूसरी में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मचार्य आश्रम से गृहस्थाश्रम में आते हैं। अब तक आप विद्यार्थी थे, आपके भरण एवं संरक्षण के लिए परिवार, समाज एवं राष्ट्र उत्तरदायी था। दीक्षांत के पश्चात आप स्वयं अर्थोपार्जन करेंगे, जीविकोपार्जन करेंगे, ना केवल अपने अपितु परिवार, समाज, राष्ट्र सबके भरण पोषण का सामर्थ्य आप में आएगा। अब तक आप अन्यों पर निर्भर थे, अब अन्य आप पर निर्भर होंगे,
ये बहुत बड़ी बात होती है, भारतीय साहित्य में से बहुत बड़ा माना गया है। जीवन की इस अवस्था का जिसमें आप अब आप प्रवेश कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम का समाज जीवन में बहुत ऊंचा स्थान है। महाभारत के शांति पर्व में जब धर्मपुत्र युधिष्ठिर अपने बंधु बांधवों से लड़ने से बचने के लिए विरक्ति की ओर उन्मुक्त होने लगे तो उनके चारों भाई अर्जुन, सहदेव, नकुल और भीम बारी बारी से उन्हें गृहस्थाश्रम का महत्व बताते हैं। अंत में द्रौपदी स्वयं अपनी ओर से और माँ कुंती के आरिश्वीर वचनों के का उल्लेख करते हुए उन्हें बताती हैं कि समाज के समर्थ घटक बनकर अर्थोपार्जन करते हुए अन्य सबका भरण पोषण एवं संरक्षण करना यही धर्मसम्मत मार्ग है और उस मार्ग पर आज आप आगे बढ़ने वाले हैं। तैत्तरीय उपनिषद की शिक्षावली के एकादश अनुवाक में आचार्य शिक्षा को शिष्यों की दीक्षा पूरी होने पर उनके आगामी जीवन में अपरिहार्य रूप से अपनाने योग्य अनुशासन का विस्तृत उपदेश देते हैं। माननीय कुलाधिपति महोदया ने आपसे उस आदेश पर आज प्रतिज्ञा करवाई है। दीक्षा संपन्न करने वाले में, और मुझे अच्छा लगा है कि हम दीक्षार्थियों को उस उपदेश की का स्मरण करवा रहे हैं, दीक्षा संपन्न करने वाले सब विद्यार्थियों को वह अनुवाक पढ़ना चाहिए। भारत के सब विद्यार्थियों को पढ़ाया जाना चाहिए, उसका अर्थ विस्तार से समझाया जाना चाहिए। उस अनुशासन के अनेक महत्वपूर्ण अंश हैं जिन सब का उल्लेख माननीय कुलाधिपति ने किया। मैं उनके दो एक अंशों को आपके समक्ष उल्लेख करके उसको थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूं। उसमें सबसे पहला अनुशासन जो आचार्य दीक्षार्थियों को दे रहे हैं वो है सत्यम वदा धर्मम चरा, सत्य बोलिए धर्म पर आचरण कीजिए। इन दो बातों में मानव एवं समाज जीवन के समस्त अनुशासन आ जाते हैं। सत्य बोलने और धर्मसम्मत आचरण करने के अनुशासन को जब साध लिया जाता है तो समाज में सब कुछ सज जाता है। अपने जीवन में, समाज जीवन में और राष्ट्र जीवन में सब कुछ सुधर जाता है, रामराज्य उपस्थित हो जाता है। इतिहास में रामराज्य का एक प्रमुख लक्षण यही बताया गया है कि जब राजा राम राज्य करते हैं तो सब जन सत्य एवं धर्म में स्थित रहते हैं, उसके अनुशासन से बंधे रहते हैं। दूसरा प्रमुख अनुशासन जिसका उल्लेख मैं करता हूं आपसे वह है मातृदेवो भवा, पितृदेवो भवा, आचार्य देवो भवा, अतिथि देवो भवा। माँ, पिता, शिक्षक और अतिथि को आप देवतुल्य माने, देवों जैसा सम्मान उन्हें दे। यह अनुशासन सरल दिखता है पर जब तक हमें इसके महत्व की समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और आयु भर यह टीस बनी रहती है कि जब हम समर्थ थे तब हमने अपने माँ पिता की, शिक्षकों की एवं अतिथियों की समुचित सेवा क्यों नहीं की, उनका समुचित सम्मान करने में हमने चूक कैसे कर दी। जीवन की आगामी अवस्था के प्रारंभ पर ही आप इस विषय में सतर्क रहें तो पश्चाताप का अवसर नहीं आएगा, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। तीसरा अनुशासन जिस पर मैं आग्रह करना चाहता हूं वो माननीय ने पढ़ा था, श्रद्धया देयम अश्रद्धया अधेयम श्रिया देयम क्रिया देयम ब्रियादेवम संविदादेयम। जैसे मैंने पहले कहा, अर्थोपार्जन करने वाला अन्य सबके भरण पोषण एवं संरक्षण का उत्तरदायित्व तो लेता ही है,
यह भारतीय संस्कृति के मूल भावों में है। जो अर्जन करेगा वह वितरण तो करेगा ही। भारत के मौलिक साहित्य में बहुत स्थानों पर यह भी कहा गया है कि जितना आपने दिया होता है उतना ही आप अर्जित कर पाते हैं, उससे अधिक किसी को प्राप्त नहीं होता। आप अर्थोपार्जन करेंगे तो आप अन्यों को, समाज को, राष्ट्र को, परिवार को देंगे ही। यहां उपनिषद के आचार्य कह रहे हैं कि जब आप ये देने का कार्य करते हैं तो वह देना श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए, अपनी श्री समृद्धि के अनुरूप होना चाहिए, लज्जा पूर्वक भय मानते हुए मैत्री भाव से देना चाहिए। यह सब महत्वपूर्ण अनुशासन है। लेने वाले के प्रति श्रद्धा रखते हुए नहीं देना होता, कृपणता से बचना होता है, लज्जा के भाव से, मैं कौन देने वाला हूं इस भाव से देना होता है, झूठे गर्व के भाव से बचना होता है, अकड़ के से नहीं भय के भाव से देना होता है, और सबके प्रति मैत्री एवं संवेदना के भाव से देना होता है। इन अनुशासनों में अच्छे भारतीय नागरिक बनने के सब भाव आ जाते हैं। आप इस पर विचार कीजिए। शिक्षा का उद्देश्य ही आप सबको अच्छे भारतीय नागरिक बनाना है, और उस प्रकार के नागरिक बनने के लिए ये सब अनुशासन महत्वपूर्ण है। अपने और परिवार, समाज एवं देश के भरण संरक्षण का दायित्व बहुत बड़ा दायित्व होता है। पर मैं मानता हूं कि आज जो छात्र छात्राएं दीक्षा संपन्न कर इस दायित्व की ओर अग्रसर हो रहे हैं वे बहुत सौभाग्यशाली हैं। उन पर यह दायित्व ऐसे समय आया है जब देश अपने अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। महात्मा गांधी ने जून 1947 में कहा था कि यह मत मानिए कि स्वतंत्रता आने पर तुरंत देश समृद्ध समर्थ हो जाएगा। दीर्घ प्रतंत्रता का काल में आई विकृतियों को दूर करने के लिए, देश की समाज नीति एवं राजनीति को विशुद्ध करने के लिए, सुशासन स्थापित करने के लिए एवं जनता के उत्थान के लिए 75 वर्ष तो लगेंगे ही। वो 75 वर्ष अब बीत चुके हैं। हम अब एक नए पड़ाव पर हैं। ये देश अब नए पड़ाव पर है। राष्ट्र पुनः जागृत होता दिख रहा है। सब एक नई ऊर्जा है। नए विस्तृत राजमार्ग बन रहे हैं। नई स्वच्छ द्रुत गति की गाड़ियां चल रही हैं। नई राजधानी बन रही है। नगरों को स्वच्छ और स्मार्ट बनाया जा रहा है। नए नए प्रकार के उद्योग एवं उद्यम स्थापित हो रहे हैं। कृषि सुदृढ़ हो रही है। कृषि उत्पादन बढ़ रहा है। देश को सब प्रकार से स्वच्छ बनाने के प्रयास हो रहे हैं। लोगों में एक नई ऊर्जा है। लोग अपने अपने धर्म के प्रति सजग सन्निष्ठ हो रहे हैं। सब में एक नया आत्मविश्वास है, नया साहस है, नई उद्यमशीलता है, नई प्रतीति दिख रही है। ऐसे समय में आप जीविकोपार्जन के लिए निकले हैं। भारत की इस नए आत्मविश्वास एवं सनातन भारत की इस नई अभिव्यक्ति का विश्व में संज्ञान लिया जा रहा है। वैश्विक उच्च सभा समितियों में भारत को ऊंचा स्थान मिल रहा है। वैश्विक कूटनीति में भारत की पूछ हो रही है। भारत के विस्तार एवं गरिमा के अनुरूप उसे महत्व दिया जा रहा है। विश्व के उच्चतम अति परिष्कृत उद्योग भारत में आकर नई संभावनाएं ढूंढ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस नए वातावरण को में आप सबको जीविकोपार्जन के जो शिक्षा एवं कौशल आपने यहाँ अर्जित किया है उसका सदुपयोग करने के और अपनी सहज सृजन क्षमता को अभिव्यक्त करने के समुचित अवसर प्राप्त होंगे। अपने अमृत काल में भारत जो एक नई गौरव गाथा लिखने वाला है, आप सब उसके भागी बनेंगे। इस राष्ट्र के अपनी निश्चित नियति पर पहुंचने में आप सब अपना अपना योगदान देंगे। आप जैसे युवाओं के उद्यम, उत्साह एवं सहयोग से ही भारत एक नए शीर्ष पर पहुंचेगा।
भारत को अगले 25 वर्षों में अपनी परिणति तक पहुंचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने हम सब से और विशेषतः देश के युवाओं से अमृतकाल के लिए 5 प्रण करने का, 5 संकल्प लेने का आह्वान किया है। ये 5 संकल्प अन्योन्य आश्रित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दीक्षांत के इस अवसर पर मैं आप सबको इन 5 प्रणों का स्मरण कराना चाहता हूं। पहला प्रण है विकसित भारत का। हमारा संकल्प है कि अमृतकाल पूरा होने तक 2047 आने से पूर्व भारत विश्व के विकसित देशों में गिना जाने लगेगा। अर्थोपार्जन के लिए विभिन्न उद्यम करते हुए आप इस राष्ट्रीय संकल्प को समक्ष रखेंगे तो आपके कार्य में उत्साह, कौशल और तन्मयता का संचार होगा। भारत के समस्त युवाओं के इस प्रकार उत्साह, कुशलता एवं लग्न से अलग अपना अपना कार्य करने रहने से ही विकसित भारत का प्रण पूरा होगा। दूसरा प्रण है दासता से मुक्ति का। परतंत्रता से मुक्ति तो हमें 1947 में मिल गई थी। अब देश का शासन हम स्वयं अपनी चुनी हुई सरकारों से चलाते हैं। यह बड़ी बात है। अन्यों के शासन के अधीन जीने और अपने स्वयं के शासन में जीने में बहुत बड़ा अंतर होता है, परंतु शासन के बदलने मात्र से दासता से मुक्ति नहीं हो जाती। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, दीर्घ काल तक चले परकीय शासन से व्यक्ति एवं समाज दोनों में अनेक प्रकार की विकृतियां आ जाती हैं। वैयक्तिक चित्त एवं राष्ट्रीय चिति में दासता का भाव घर करता है। हमारा दूसरा प्रण है कि हम अगले 25 वर्षों में अपने आप को, अपने मन, बुद्धि एवं चित्त को इस दासता से पूर्णता मुक्त कर लेंगे। तीसरा प्रण है अपनी विरासत पर गर्व का। अपनी भूमि, अपने लोगों, अपने भूगोल, अपने इतिहास, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान एवं गौरव का भाव रखने का, अपने देश के प्रति, अपने देश की समस्त विशेषताओं एवं संपदाओं के प्रति अपने भीतर विवेकपूर्ण सम्मान एवं गौरव का भाव उत्पन्न करने का। ये भाव ही वास्तव में दासता से मुक्ति है। भारत एवं भारत के लोगों की विशिष्ट संपदाओं के प्रति हमारे भीतर हेयता का भाव उत्पन्न कर हमें दास बनाया गया था। उस हेयता के भाव को नकार कर पुनः अपने आप पर, अपने लोगों पर, अपनी भूमि पर, अपनी संस्कृति पर गर्व करना सीखना ही हमारे लिए दासता से मुक्त होना है। इसी से हम एक आत्मविश्वस्त विकसित राष्ट्र को बना पाएंगे। मैं जानता हूं कि अपने आप पर गर्व करने के इस भाव को जागृत कर पाना सरल नहीं होगा। हमारी पाठ्य पुस्तकों में अब भी भारत के सब पक्षों के प्रति हेयता का भाव विद्यमान है। अपने संपूर्ण शैक्षणिक काल में हमें विभिन्न संदर्भों में प्राय यही हेयता का भाव सिखाया जाता है। यह प्रसन्नता का विषय है कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से इसे बदलने का उद्यम प्रारंभ हुआ है। पाठ्यक्रम में भारत के पारंपरिक ज्ञान एवं भारत की विशिष्ट संपदाओं एवं उपलब्धियों को स्थान देने का क्रम आरंभ हुआ है। हमें और आज जो दीक्षा संपन्न कर रहे हैं, ऐसे आप युवा लोगों को अपने प्रति हेयता के भाव से मुक्त होकर अपने पर गर्व करना सीखने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। पाठ्यक्रम बदलेगा, शिक्षा की धारा बदलेगी तो आगे की पीढ़ियों में आत्मगौरव का यह भाव सहजता से आया करेगा। हमें श्रम करना पड़ेगा। अपने आप को, अपनी पाठ्य पुस्तकों को, अपनी शिक्षा को उस हेयता के भाव से मुक्त करने का जो प्रयास आवश्यक है वह हम करेंगे। यही तीसरा प्रण है, तीसरा संकल्प है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि हम सब इस प्रण के अनुरूप व्यवहार करते रहेंगे। चौथा प्रण है एकता एवं एकजुटता का। यह तो हम भारतीयों का सहज भाव है। हमारी संस्कृति मूल वृत्ति ही जीवों को एक ही परमात्मा के अंश के रूप में देखने की है। हम सब में उस एक की ही झलक देखते हैं।
इसलिए सबके प्रति, सब मानवों के प्रति ही नहीं, सब जीवों के प्रति सौहार्द एवं संवेदना का भाव, एकात्मकता का भाव रखना हमारी सहज वृत्ति है। हम अपने प्रति, अपने संस्कृति के प्रति गर्व का भाव रखने लगेंगे तो एकता एवं एकजुटता का यह संकल्प सहज ही सध जाएगा। पांचवा प्रण है नागरिकता का कर्तव्य। इस महान राष्ट्र के नागरिक और सनातन संस्कृति के वाहक के रूप में जो हमारे कर्तव्य बनते हैं उनका हम आग्रहपूर्वक निर्वाह करेंगे। अमृतकाल में इस पांचवें संकल्प की हमसे अपेक्षा है। यह कठिन संकल्प है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति अपनी संतानों से कठिन अनुशासन की अपेक्षा करती है। इस अनुशासन के अनेक आयाम हैं। सबसे महत्वपूर्ण आयाम अन्यों के प्रति मात्र सहृदयता नहीं सहोद्रता का भाव रखने की है। इस भाव का एक अर्थ यह भी है कि हमने आसपास की समस्त सृष्टि के प्रति, सब जीवों और प्रकृति के प्रति, समस्त भावों के प्रति उत्तरदायित्व समझें। समस्त जीव एवं निर्जीव सृष्टि के संरक्षण एवं भरण का उत्तरदायित्व निभाएं। भारतीय सभ्यता एवं भारतीय साहित्य में गृहस्थाश्रम में रहकर अर्थोपार्जन करने वाले समस्त जनों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने अर्जित साधनों का उपयोग केवल अपने लिए नहीं अपने आसपास के समस्त जीवों के भरण में नियोजित करेंगे। वास्तव में अपेक्षा तो यह है कि कमाने वाला अपने आसपास के सब जीवों को खिलाकर ही खाएगा। माननीय सुदर्शन जी बहुत कहा करते थे कि जो जन्मा है वो खाएगा, जो कमाएगा वो खिलाएगा। खाना अलग बात है, जो कमाएगा वो खिलाएगा, ये भारतीय संस्कृति का मूल भाव है। जो अर्जन करेगा वह सबका ही भरण करेगा, संरक्षण भी करेगा। समस्त सृष्टि के प्रति सहोदरता एवं उत्तरदायित्व के इस भाव में ही अमृतकाल के सब संकल्पों का सार है। इसी से एकजुटता, एकात्मता आती है, इसी से आत्मगौरव का भाव आता है, इसी से दासता से मुक्ति मिलती है, यही विकास है। आप सब भारत के नागरिक होने एवं भारतीय संस्कृति के वाहक होने के इस कर्तव्य को ठीक से निभा पाए और इस अमृतकाल में अपनी इसी देह से, इन्हीं आंखों से विकसित गौरवमयी वैभवशाली भारत को उभरता देख पाए, यही मेरा आप सबको आशीर्वाद है। इस महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय के अमृतकाल के प्रथम दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होने और भारतीय राष्ट्र को गढ़ने के लिए उद्यत भावी नागरिकों को संबोधित करने का यह अवसर पाकर मैं अत्यंत सम्मानित अनुभव कर रहा हूँ, कृतार्थ हूँ। आशा करता हूँ कि यहाँ आने के, यहाँ के विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं शिक्षकों को मिलने के अवसर भविष्य में भी मिलते रहेंगे। जय हिंद, प्रणाम। कुलपति महोदय से अनुरोध है कि वे कृपया माननीय कुलाधिपति महोदय से कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय पूर्वा ईरान मेरठ के विद्यार्थियों को पुस्तक, फल, मिष्ठान इत्यादि का वितरण करने का अनुरोध करने की कृपा करें। माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध है कि वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के विद्यार्थियों को पुस्तक, फल देने की कृपा करें।
कुलपति महोदय से अनुरोध है कि वे माननीय कुलाधिपति महोदय से उपस्थित गणमान्यों को अध्यक्षीय उद्बोधन देने हेतु अनुरोध करने की कृपा करें। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे उपस्थित गण को अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से अभिसंचित करने की कृपा करें। आज के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि पद्मश्री जितेंद्र कुमार बजाज जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी, छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर भूपेंद्र सिंह जी, कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के सभी सदस्यगण, शिक्षकगण एवं कर्मचारीगण, आमंत्रित अतिथिगण, प्रिय विद्यार्थियों, देवी और सज्जनों, आज लगभग यूनिवर्सिटी की ओर से 195 गोल्ड मेडल दिए गए। दो सौ में पांच बाकी, और इसमें खुशी की बात है कि 70% गर्ल्स है। बाकी कितने बचे? 30%, वो कौन है? मैं 30% जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनको खास बधाई देना चाहती हूं।
जो वे लोगों ने 30% अवार्ड प्राप्त नहीं किए होते तो आबरू जाती। और सभी मेडल बच्चियां ले जाती। और इसी वजह से मैं सबसे पहले वो बच्चों को, छात्र को अभिनंदन करती हूँ और अपेक्षा करती हूँ कि नेक्स्ट ईयर कम से कम 50-50 हो, 50-50 हो। वो ना हो जाए कि नेक्स्ट ईयर 90% लड़कियां ले जाए, 10% एवरेज आउट रोल। ये बड़ी चिंता की विषय है मित्रों, लेकिन मैं देख रही हूं सालों से, जब मैं पढ़ती थी तब कोई लड़कियां नहीं पढ़ती थी। मुझे याद है कि मैं जब प्राइमरी में पांचवी छठी सातवीं कक्षा में पढ़ती थी तो पूरी स्कूल में मैं एक ही लड़की थी, एक ही लड़की थी। जब हाई स्कूल में आए तो तीन लड़कियां हुई, और फिर कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, पूरी कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स के बीच में मैं अकेली थी। ऐसी स्थिति थी। और ये देखते हुए, देखते 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 आज हमारी लड़कियां जो आगे बढ़ रही है, ये समाज के लिए बहुत ही गौरव है मित्र। उस महात्मा गांधी और हमारे कई शिक्षाविदों कहते हैं कि एक लड़की पढ़ती है ना तो 7 पीढ़ियां चारित हो जाती है। एक लड़की पढ़ती है तो 7 पीढ़ी आगे बढ़ती है, ये हमारे महात्मा गांधी वगैरह ने कहा है मित्रों। क्योंकि बच्चों को संस्कार देने का काम तो मां करती है, और यदि मां ही अनपढ़ होगी, कुरिवाजों में ध्रस्त होगी, अंधश्रद्धा में मानने वाली होगी, तो परिवार में संस्कार कैसे आएंगे मित्रों। और इसी वजह से जरूरी है कि लड़के 5% कम पढ़ेंगे तो चलेंगे, लेकिन 100% बच्चियों की शिक्षा होनी ही चाहिए मित्रों, होनी ही चाहिए। हमें हमारे देश को आगे बढ़ाना है, हमारी परंपराओं को जीवित रखना है, हमारी संस्कृति को बचाने रखना है, डिसिप्लिन लाना है, बच्चों की परवरिश अच्छी तरह से करनी है, चारित्र का निर्माण करना है और भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो महिलाओं मस्त पढ़ाना चाहिए मित्रों, बेटियों को पढ़ाओ। मित्रों मैं एक दूसरी बात इसी वजह से कहना चाहती हूं कि मैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाती हूं, कई लोगों के साथ बैठती हूं, न्यूज़पेपर पढ़ती हूं, टीवी देखती हूं, लोकसभा राज्यसभा में जो चर्चाएं होती है वो भी सुनते हैं, यूपी की विधानसभा में, विद्या परिषद में भी जो चर्चाएं होती है वो भी पढ़ते हैं और सुनते भी हैं मित्रों। संस्था कब आगे बढ़ती है? कोई भी संस्था, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे सरकारी कामकाज के विभाग हो, ये सब मिलकर काम नहीं करेंगे तो कोई संस्था आगे नहीं बढ़ सकती है। आप तो पढ़े लिखे हो, अध्यापक डॉक्टरेट है, डिग्री और प्राप्त की है पीएचडी की, ऐसी स्थिति में यदि यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाना है या तो कॉलेज को आगे बढ़ाना है तो सबको साथ में लेकर ही चलना पड़ेगा। एक परिवार मान लीजिए मित्रों कि परिवार में 4 भाई बहन हैं, माँ बाप भी हैं, लेकिन जो 2 भाइयों के बीच में भी बनती नहीं है, बहन भाई के बीच में भी अनबनाव है, लड़के या तो अपने पुत्र माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं,
माँ का सम्मान नहीं करते हैं, क्या वो परिवार आगे कभी बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता मित्रों। एक आगे बढ़ेगा तो दूसरा उसका पग खींचेगा। ऐसी स्थिति में परिवार कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। दो भाई हो कि चार भाई बहन हो, सब एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, और जिसके पास जो रुचि है वो रुचि के हिसाब से माँ बाप उसको गाइड करते हैं, प्रेरणा देते हैं, उसको सुविधा उपलब्ध कराते हैं, तब जाकर एक परिवार आगे बढ़ता है। इसी तरह हमारी यूनिवर्सिटियां होती हैं मित्रों। यदि यूनिवर्सिटी में सभी अध्यापक मिलजुल कर काम करेंगे, जो अध्यापक में जो एक्सपर्टाइज है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च में ध्यान देंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को विकल्प देंगे पढ़ने का, सबसे अच्छी लैब बनाएंगे जो इसकी जिम्मेवारी है वो, स्पोर्ट्स का आयोजन करेंगे, सांस्कृतिक प्रवृत्तियां आयोजन करेंगे, चाहे बच्चे मेडिकल का हो, चाहे बच्चे कॉमर्स का हो, चाहे बच्चे आर्ट्स कॉमर्स पढ़ता हो, लेकिन उसमें अलग रुचि तो होती ही, तो वो रुचि क्या है उसको भी आगे लाने के लिए प्रयास करें, यूनिवर्सिटी का वो दायित्व है मित्रों। उस इसी वजह से हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है सबका साथ सबका विकास, ये सूत्र को हमें चरितार्थ करना है मित्रों। और इसका लाभ किसको होगा? विद्यार्थियों को होगा। जो आपस में बनती नहीं है, दिया हुआ जो काम है वो अच्छी तरह से नहीं होता है, तो उसका नुकसान विद्यार्थियों को ही भुगतना पड़ता है। और विद्यार्थियों को नुकसान मतलब देश को नुकसान, मतलब देश को नुकसान। हमें ये समझना ही पड़ेगा कि हमारी अरुचि के कारण, हमारी अनियमितता के कारण जो नुकसान स्टूडेंट्स को होता है, ये सिर्फ स्टूडेंट्स को नुकसान नहीं होता है, लेकिन देश की प्रगति नहीं हो पाती है, देश की प्रगति रुंध जाती है, अटक जाती है। और इसी वजह से आज के दीक्षांत समारोह में मैं सबके पास वही अपेक्षा करूंगी कि स्टूडेंट्स हो या अध्यापक हो या क्लार्क हो, आईटी सेल हो, कोई भी हो, वीसी हो, कोई भी हो, ये सबको एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर यूनिवर्सिटी को बेस्ट यूनिवर्सिटी बनाने के लिए प्रयास करना है मित्रों। देखिए जो यूनिवर्सिटी ने, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने नेक एक्रेडिटेशन में A++ हासिल किया, फायदा क्या हुआ आपको पता नहीं होगा मित्रों। दूसरी यूनिवर्सिटी टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने A+ हासिल किया और एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने B+ हासिल किया अभी 2 महीने में। कई कंपनियां ने यूनिवर्सिटी का संपर्क करी, रोजगार की ऑफर की। दूसरा, उसके जो CSR में से यूनिवर्सिटी में क्या जरूरत है उसके लिए आगे आए। ये सब फायदा विद्यार्थियों को हुआ है। एक थोड़ा सा प्रयास जब यूनिवर्सिटी करती है तो उसका लाभ विद्यार्थियों को मिलता है। विद्यार्थियों की भूमिका इतनी है इसमें कि आप आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में क्या सोचते हो, परसेप्शन। आपको भी फीडबैक देना चाहिए। हो सकता है कि कम मार्क्स आए होंगे, लेकिन जो नेगेटिव आप यूनिवर्सिटी के बारे में बोलोगे, तो जो जो नेक एक्रेडिटेशन में जो मार्क्स मिलता है आपके अभिप्राय पर, उसको बड़ा नुकसान होगा मित्रों। हमारी एक छोटी सी गलती के कारण हमारे लाखों विद्यार्थियों को नुकसान नहीं होना चाहिए, इसमें मैं मानती हूं मित्रों।
आपको कोई बुक चाहिए तो लिखिए, आपको कोई नया सिलेबस पढ़ना है तो लिखिए, इसमें अध्यापक भी लिख सकता है, अभिभावक भी अपना अभिप्राय दे सकता है फीडबैक के रूप में। यदि हमें नेशनल एक्रेडिटेशन में जाना है तो ये सब कुछ करना ही पड़ेगा मित्रों। और एशियाई रैंक में जाना है तो 50% परसेप्शन का काम है, 50% मित्रों। सोचिए कंपनियां क्या कहती है आपके यूनिवर्सिटी के बारे में, प्रजा क्या कहती है आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में, वर्ल्ड की कोई यूनिवर्सिटी आपके बारे में कुछ जानती है? ये सब परसेप्शन का मार्क्स मिलता है मित्रों, ये सब पर आधार रखता है, सबका अभिप्राय जरूरी है ये सब में मित्रों। और इसी वजह से यूनिवर्सिटियां धीरे धीरे करके रैंकिंग में आगे बढ़ने के लिए काम कर रही है। दूसरा एक है कि भाई सभी यूनिवर्सिटी ने एक काम करना चाहिए, 10 साल का रोड मैप बनाना चाहिए, विजन डॉक्यूमेंट 10 साल का। आप क्या करना चाहते हो 10 साल में, यूनिवर्सिटी को कहां पहुंचाना चाहते हो, वो जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक थागड़ थीगड़ होता रहेगा। कोई वीसी आया उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो वो ही कराता रहेगा, कोई दूसरा वीसी आया तो और उसको कॉमर्स में रुचि है तो वही करवाता रहेगा। लेकिन यदि यूनिवर्सिटी का विजन डॉक्यूमेंट होगा जिसमें इसी मेंबर का भी अभिप्राय होगा, वो विद्या परिषद का भी अभिप्राय होगा, समाज का भी अभिप्राय होगा, विधायक एमपी सबका इसमें हिस्सा होगा, और समग्र समाज ने मिलकर अपना विचार यूनिवर्सिटी के सामने रखा है और वो विचार के हिसाब से एक डॉक्यूमेंट बनता है तो कंपलसरी सभी को इसके आधार पर चलना ही पड़ेगा मित्रों। तो कंटिन्यूटी रहेगी, और कंटिन्यूटी में जब यूनिवर्सिटी रहती है तो हम जो प्रयास करते हैं 5, 7, 10 साल तब यूनिवर्सिटी को बहुत आगे ले जा सकते हैं मित्रों। और इसका लाभ समाज को होता है, देश को होता है, और इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि यूनिवर्सिटी अपना एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करे, और ये तैयार होने के बाद में 1 साल में क्या करेंगे, 2 साल में क्या करेंगे, 3 साल में क्या करेंगे, वो बढ़ता ही रहता है जाएगा। और सबकी जिम्मेवारी, ये आपको करना है, ये समिति बनाओ, और सभी समिति इकट्ठा होकर जो रोड मैप में लिखा गया है उस आधार पर वे लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी है, अच्छा काम कर रहे हो आप सब लोग, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स तैयार करो तो यूनिवर्सिटी में कोई आने वाले समय में कोई प्रश्न ही नहीं होगा मित्रों। हमारे यहाँ राजभवन लखनऊ में 15 एम्बेसडर आए थे और इसके पहले 2 आए थे, आज 70 एम्बेसडर को मैं मिली हूँ राजभवन में। लगभग 2-2.5 घंटा वे लोगों के साथ एक मीटिंग हुई, और इसके साथ सभी वीसी को भी बुलाया था, वीसी और एम्बेसडर आपस में काफी चर्चाएं की वे लोगों ने। यदि हमें ग्लोबल रैंकिंग में जाना है तो हमें एम्बेसडर के माध्यम से वहां की यूनिवर्सिटी के संपर्क करना पड़ेगा, और इस संपर्क जब हम करेंगे तो आपस में काफी कुछ बदलाव होगा मित्रों। हम उनका सिलेबस भी ले सकते हैं, वहां से ऑनलाइन प्रवचन भी, स्पीच भी हो सकती है, हमारे अध्यापक भी ऑनलाइन वहां बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, हमारे स्टूडेंट्स वहां जा सकते हैं जो देशों में एमओयू साइन किया है यूनिवर्सिटी में, और वहां के स्टूडेंट इधर भी आ सकते हैं। और विश्व में कई ऐसे देश है जो भारत के विद्यार्थियों को उनके देश में पढ़ने के लिए 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए जाना है तो पूरा प्रबंध करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं मित्रों। हमें जानना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं, कौन से ऐसे देश हैं जो देश भारत के युवाओं को बुलाते हैं,
वहाँ पढ़ाते हैं लेकिन फी नहीं लेते हैं, हॉस्टल की सुविधा करते हैं। बाकी ऐसे भी है कि जो फी लेते भी है लेकिन पढ़ाने का काम भी करती है और डबल डिग्री प्राप्त होती है, एक यूनिवर्सिटी फॉरेन यूनिवर्सिटी आपको डिग्री देगी और एक जहाँ आप पढ़ते हो वो यूनिवर्सिटी भी आपको डिग्री देगी मित्रों। तो ये मल्टीपल चॉइस के आधार पर हमारे विद्यार्थियों किसी तरह आगे बढ़े इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा मित्रों। हम यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू साइन कर सकते हैं, स्टूडेंट्स आदान प्रदान कर सकते हैं, वहाँ की पूरी फैकल्टी इधर भी आ सकती है और वहाँ की पूरी फैकल्टी वो देश में भी जा सकती है और पढ़ाने का काम करती है। तो ये काम अभी हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि ये यूनिवर्सिटी ने कोई ना कोई एम्बेसडर के साथ मीटिंग के बाद कुछ न कुछ परिचय किया होगा, इसके बाद उसके साथ टेलीफोन से डिस्कस किया होगा। ये तो मैं ले रही हूँ कि भाई आपने क्या किया, किसके साथ एमओयू करने की तैयारी कर ली है, ये सब हो रहा है मित्रों। ये हमारे विद्यार्थियों के हित के लिए एक काम आरंभ हुआ है। हमारे बीच में अभी एक काम हुआ, जल का पूजन किया मित्रों, आप सबको पता है और शायद आपके मन में पानी के लिए इतनी कोई चर्चा नहीं होती होगी क्योंकि आपके यहाँ इतनी नदियां हैं। तो पानी का महत्व क्या है और कम हो जाएगा पानी तो क्या होगा, ये चिंता शायद आपको नहीं होगी लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पानी है ही नहीं, सिर्फ एक दो नदी है मित्रों। और इसी वजह से पानी का संचय करना, पानी को बचाना, बारिश का पानी को बचाना, इकट्ठा करना, जमीन में उतारना, ये सभी एक विजन डॉक्यूमेंट भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ने तैयार करवाया है। नल से जल ये कार्यक्रम चल रहा है भारत में, पीने का शुद्ध पानी मिलना चाहिए। यदि पीने का शुद्ध पानी मिलता है तो काफी बीमारियां घट जाती हैं, बच्चे स्वस्थ बन जाते हैं, मानवीय पट स्वस्थ बन जाता है। तो ये पूरा एक काम चल रहा है। तो मुझे मन में ये विचार आता है कि क्या हम लोगों ने सोचा कि जब प्रधानमंत्री ने पूरे देश के जनपदों में ये कहा कि हर एक जनपद में 75 तालाब, नए तालाब बनना चाहिए 75 एक जनपद में। अब सोचिए कि इतना 75 तालाब एक डिस्ट्रिक्ट में बनेंगे तो कितने पानी का संचय होगा और जो पानी बचेगा ऊपर आएगा तो हमारे किसानों को एक बड़ा फायदा होने वाला है। क्या यूनिवर्सिटी इस क्षेत्र में काम कर सकती है मित्रों, प्रश्न ये आता है कि भाई भारत सरकार ने तो ये कहा कि डीएम को सूचना दी, उनको सूचना दी, राज्य सरकार ने सूचना दे दी कि आप तालाब बनाइए। इसका अर्थ ये हुआ कि जो सूचना जनपद को मिली है यही जनपद में यूनिवर्सिटी भी है। तो यूनिवर्सिटी को ये लगना चाहिए कि हमारे यहाँ भी हम ऐसा एक तालाब बनाइए और इसमें पानी का संचय करिए और ये पानी का उपयोग जहाँ हो सकता है वहाँ करिए मित्रों, तो शुद्ध पानी हम बचा सकते हैं। ये कार्यक्रम इसी वजह से किया था कि जल संचय करो मित्रों, जल संचय करो, पानी पीने में बिगाड़ो मत मित्रों। तो एक तो ये काम करना है। हमारे बीच में छोटे छोटे बच्चे आए हैं, यूनिवर्सिटी ने उनको भी गोल्ड मेडल दिया। अब वो जब घर में गोल्ड मेडल देखेंगे तो उसके मन में ये जरूर आएगा कि भाई ये गोल्ड मेडल तो मुझे यूनिवर्सिटी में जाकर प्राप्त तो करना ही पड़ेगा। और बच्चों को सम्मान करना और ये सभी बच्चे पूरा कार्यक्रम देखा, बच्चों ने तालियां भी बजाई, आपने तो कम तालियां बजाई लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा तालियां बजाते थे। और इतना सुंदर माहौल जब बच्चे देखते हैं
तो एक विचार लेकर जाते हैं कि हमें भी इधर आना है, यदि गोल्ड मेडल भी प्राप्त करना है तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा और अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर हम यूनिवर्सिटी में प्रवेश कर सकते हैं। ये भाव से ऐसे बच्चों को यूनिवर्सिटी में बुलाया जाता है और ये बच्चे काम करने लगते हैं। मित्रों, थोड़े समय पहले राजभवन में इसी मेंबर की और विद्या परिषद की एक मीटिंग हुई थी। सभी यूनिवर्सिटी के इसी मेंबर और विद्या परिषद के मेंबर आए थे राजभवन में, 2-2.5 घंटे बैठे थे और वीसी भी उपस्थित थे। काफ़ी चर्चा हुई थी मित्रों, काफ़ी चर्चा हुई थी। मैं अपेक्षा करती हूँ इसी मेंबर और विद्या परिषद के हमारे बुजुर्ग भाई बहनों से, विद्वान भाई बहनों से, कहीं ना कहीं तो वीसी बनकर आए हैं या तो कहीं ना कहीं कहीं बुक्स वगैरह वगैरह लिखी हुई है, कहीं वे लोगों ने पेटेंट उसके समय में करवाए, ऐसे कई मेंबर्स हैं मित्रों। लेकिन जब यूनिवर्सिटी के बारे में जब हम सुनते हैं तब मन में ये जरूर प्रश्न उठता है कि ये गलतियां क्यों हो रही है, हमारे मेंबर्स वहां बैठे हुए हैं, विद्या परिषद के मेंबर वहां बैठे हुए हैं, तो ये गलतियां क्यों हो रही है। ये ध्यान रखने की जरूरत है मित्रों। और काफी मुझे सूचन किया गया था, इस सूचन के बारे में मैंने 2 दिन से फाइल मंगवा रही हूं और जो आपने जो सूचन किए थे इसमें से मुझे जो ठीक लगा है वो सभी वीसी को पहुंच जाएगा और वे इसी हिसाब से काम करते रहेंगे। मित्रों, कल लोकसभा में चर्चा चलती थी होम डिपार्टमेंट की, बहुत ही गंभीरतापूर्वक आप सबके सामने मैं ये विषय रखती हूँ, क्योंकि इधर कई ऐसे भाई बहन हैं जो समाज को नेतृत्व कर रहे हैं। अभी आप सबने देखा कि इधर 70% बच्चियों ने गोल्ड मेडल लिया है, इतनी पढ़ी लिखी बच्चियों हमारी हैं, होनहार बेटियां हैं। और कल जो विषय रखा गया इसमें ये था 2017 से 2021 तक दहेज के कारण भारत में 35,900 महिलाओं ने आत्महत्या की। सोचिए जरा, 70 से 21 35,900, मतलब 36,000 बच्चियों ने दहेज के लिए आत्महत्या की है। क्या समाज को चिंता नहीं होती है इसकी? और इसमें सबसे ज्यादा 11,800 महिलाओं ने दहेज के कारण उत्तर प्रदेश में आत्महत्या की है। 35,000 में से 11,800 सिर्फ उत्तर प्रदेश में महिलाओं ने आत्महत्या की है, सिर्फ दहेज के कारण। मित्रों, क्या दहेज प्रथा बंद नहीं करवा सकते हैं? मित्रों, क्या जरूरी है कि एक लड़की माँ, एक लड़के, एक लड़की की माँ आप चाहते हो कि एक बंगला दे दे और आपको एक बंगला दे दे और आपका बेटा बंगला में रहे, खाए पिए और करे? कहाँ गई हमारी शिक्षा मित्रों? कहाँ गए हमारे सर्टिफिकेट? मैं चाहती हूं कि समाज के जो अग्रगण्य नेता वर्ग है आगे आए मित्रों, इसमें आंदोलन करें, दहेज प्रथा बंद करो। इसी वजह से ये करना ही पड़ेगा मित्रों। हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि उसको आगे बढ़ाए, उसको आगे बढ़ाए। बाल विवाह कैसे हो सकता है मित्रों? ये छोटी छोटी बच्चियों का बाल विवाह करने शर्म नहीं आनी चाहिए? कैसे निर्णय हो सकता है? अभी मुझे महाराजगंज की 12 बच्चियां मिलने के लिए आई थी, 6ठी कक्षा 7वीं कक्षा 8वीं कक्षा की बच्चियां थी। समय मांगा था तो मैंने दिया समय, तो राजभवन में आई। क्या काम करती है ये छोटी छोटी 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा की 12 बच्चियां? बाल विवाह बंद करो और दहेज प्रथा बंद करो, उसका नाटक गांव गांव में जाकर करते हैं। और इसमें 2 बच्चियों का बाल विवाह अटकाया, वो लड़कियां भी इसमें शामिल हुई। हिम्मत देखो,
ये छोटी लड़कियों में इतनी हिम्मत है तो हमारे में क्यों हिम्मत नहीं है मित्रों। और मैं चाहती हूं कि यूनिवर्सिटी अग्रेसर हो, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी का अध्यापक, आप नाटक लिखिए, नाट्य लिखिए, जाइए गांव गांव में और बंद करवाइए मित्रों। पुलिस आगे आए, कहीं भी आपको लगता है कि वहां बाल विवाह हो रहा है तो तुरंत अटका देना चाहिए। ये पुलिस की मांग ना होनी चाहिए कि मुझे कोई एप्लीकेशन नहीं किया इसी वजह से मैं नहीं जा सकता है। अरे कानून है, कानून है, और कानून का तो उपयोग करना ही पड़ेगा मित्रों, चाहे पुलिस हो, चाहे समाज के अग्रगण्य लोग है, चाहे बेटियां हो मित्रों। और मैं बेटियां को आश्वस्त कराना चाहती हूं कि आपको ऐसी जिंदगी जीना है कि हर बार आपके पास पैसे मांगे, पैसे मांगे, पैसे मांगे, या अपना एक खुद का जीवन बने, अपना खुद का आत्मनिर्भर बनकर अपना जीवन जिए। ये सोच लीजिए महिला, सोचिए। और इसी वजह से कभी कभी मैं जेल की मुलाकात लेती हूं और इसमें 30-40 लड़के लड़कियां को साथ में भेजती हूँ, पहले जाइए, देखिए सब कुछ, सबको मिलिए, पूछिए क्यों सजा हुई है, क्या किया था आपने। और बाद में मैं लड़कियों के साथ वहां बैठती हूँ, लड़कों के साथ बैठती हूँ और मुझे मैं पूछती हूँ कि आपने क्या देखा वहां, तो बोल नहीं सकती है। वे लोग ने कहा कि दहेज के लिए उसे मार दिए, बहू को मार दिया, काट दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। और इतनी महिलाएं आज जेल में बैठी है सिर्फ दहेज के कारण। मित्रों, हमारी जिम्मेवारी है समाज में जो बदियां है वो बदियां दूर करने की जिम्मेवारी पढ़े लिखे समाज की ही है। और जब हम अग्रेसर नहीं बनेंगे तब तक ये चलता ही रहेगा और हमारी बेटियां मरती ही रहेगी, आत्महत्या करती ही रहेगी, और हम वहां जाकर शोक व्यक्त करेंगे, बैठकर वापस आएंगे, सिर्फ इतना ही होगा। आपके यहां आयुर्वेद है मित्रों, कुपोषण से पूरा समाज, पूरा देश जूझ रहा है। इतने छोटे छोटे जन्म से, पहले जन्म से माता की कुख में, इसके बाद इतने बच्चे जन्म लेते हैं, ये हम देखते हैं मित्रों। क्यों आयुर्वेद में कोई ऐसी दवाई है कि जो ऐसे बच्चों को या तो ऐसी कुपोषित माता को ये दवाई दी जाए तो धीरे धीरे करते उसका कुपोषण कम हो और एक स्वस्थ माँ बने और बाद में बच्चे का जन्म दे तो बच्चा भी स्वस्थ जन्मे। मित्रों, ये करने की आवश्यकता है मित्रों। सरकार ने तो 5,000 रुपया दिया है, दो प्रसव हो तब तक उसको दिया जाता है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि हम रिसर्च तो काफी करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी बार बार बोलते हैं कि भाई हम जो पैसे देते हैं उसका परिणाम क्या आता है, क्या किसी ने उस पर स्टडी किया है। सरकार आवास के लिए पैसे दे रही है और गरीब का आवास हो रहा है, करोड़ों लोगों को आवास मिला, क्या आवास मिलने के बाद और आवास नहीं था इसके पहले ये परिवार की क्या स्थिति थी, और आवास मिलने के बाद ये परिवार की स्थिति क्या हुई, इसका कोई प्रोजेक्ट करके समाज के सामने ये विषय रखने की आवश्यकता नहीं लगती है आपको। इसी तरह आयुष्मान भारत योजना, परिवार को 5,00,000 का एक कार्ड दिया जाता है, किसी को कैंसर हुआ, किसी को किडनी फेल हुई, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है तो कार्ड लेकर जाओ हॉस्पिटल में, फ्री में दवाई करके वापस आओ, घर स्वस्थ रहे। क्या कितने लोगों को इसका फायदा हुआ है, कैसे फायदा हुआ। और एक परिवार को कैंसर होता है तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है और बीपीएल में चला जाता है मित्रों, लेकिन एक 5,00,000 रुपया का कार्ड उसको बचा सकता है। क्या
क्या उसका कोई प्रोजेक्ट लेकर स्टडी करके सरकार को नहीं देना चाहिए? मातृ वंदना योजना, मैंने कहा 5,000 रुपया सगर्भा माता को 3 महीने के बाद उसको दिया जाता है, क्योंकि इसमें से वो फल लाए, सब्जी अच्छी लाए, दूध पिए, इसमें से अच्छी खाने पीने की चीजें लाकर उसको खिलाओ और एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हो तो कुपोषण कम हो, इसके पीछे ये लक्ष्य है मित्र। उस मैं चाहती हूँ यूनिवर्सिटी, मैं चाहती हूँ यूनिवर्सिटी के अध्यापकों के पास कि आप ऐसी योजना बनाइए और प्रोजेक्ट तैयार करिए और विद्यार्थियों को ये प्रोजेक्ट दीजिए कि आप 100 आवास जिसको मिला है उसके पास जाइए, एक स्टडी रिपोर्ट तैयार करिए और सरकार को भेजिए कि हम लोगों ने स्टडी किया और इसमें ये बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है। इसी तरह मातृ वंदना योजना की करिए, आयुष्मान भारत योजना का करिए, नल से जल 12 करोड़ घरों को पानी पहुंचा है, शुद्ध पीने का पानी, क्या स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है? इसकी स्वच्छता पर क्या असर हुआ, मरीज घटे कि बढ़े, ये सब इसके साथ जुड़ा हुआ है मित्रों। और यूनिवर्सिटी का काम ही वो है मित्रों, लेकिन हमारी जो 4 दीवारें हैं इससे बाहर निकलते नहीं है। वही समझते हैं कि भाई हम तो पढ़ाएंगे सबको, सर्टिफिकेट देंगे और फिर एडमिशन देंगे, परीक्षा लेंगे, आगे चलता रहेगा, ये सिर्फ नहीं है मित्रों। और मैं यूनिवर्सिटी के सभी, आज हमारे सभी अध्यापक इधर बैठे हैं, उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कम से कम ये यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जिसने समाज का नेतृत्व किया था मित्रों, ऐसे यूनिवर्सिटी को आगे आने की जरूरत है और ऐसे 5-7 प्रोजेक्ट तैयार करके हमारे स्टूडेंट्स को दे दे और वो अपने हिसाब से घर घर जाकर पूछ कर एक पूरा फॉर्म तैयार करके लिख कर फिर PhD की छोटी सी थीसिस आपकी बन जाएगी और आपको बहुत ही फायदा जानकारी इससे प्राप्त होगी मित्रों, होगी। तो आपको लगता है कि ये करना की आवश्यकता है? मैं आपको पूछती हूँ, आप सबको पूछती हूँ, हाँ तो बोलिए ना। वो तो एरिया पश्चिम एरिया तो समृद्ध एरिया है ना, ज्ञान में समृद्ध है कि आर्थिक समृद्ध है? दोनों में है, तो दोनों में है तो आपकी सबसे ज्यादा जिम्मेवारी है कि आप ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेकर समाज को गाइड करें मित्रों, उस समाज को आगे लाए। आप एक स्कूल भी एडप कर सकते हो और स्कूल में जाकर स्कूल में कैसे बदलाव ला सकते हैं वो भी आप कर सकते हो मित्रों। आपके लगभग 1,000 विद्यार्थी हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज होकर, यदि 10 विद्यार्थी एकत्र होकर एक आंगनवाड़ी को गोद लेते हैं या को एक प्राइमरी स्कूल को गोद लेते हैं तो क्या बदलाव नहीं कर सकते हैं? महीने में 1-2 बार आप जाइए, बच्चों के साथ बैठिए, कितने होनहार बच्चे हैं मित्रों, थोड़ी सी गाइड करिए वे लोगों को, स्वच्छता के बारे में सिखाइए उसको, स्पीच देने के बारे में सिखाइए, कहीं पेंटिंग करवाइए उनके पास, तो वो ग्रास्पिंग पावर तो है ही, मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। और इसी वजह से मैं चाहती हूँ और मुझे अच्छा प्रतिभाव मिलेगा ऐसा मुझे लगता है, और 6 महीने के बाद मैं फिर से पूछूंगी कि भाई इसमें कुछ हुआ, और आशा व्यक्त करती हूँ कि आप इसमें आगे बढ़कर दूसरी यूनिवर्सिटी को प्रेरणा दे, आपके यहाँ से ये विषय दूसरी यूनिवर्सिटी में जाएगा तो आपको भी गौरव होगा कि देखिए हम लोगों ने काम किया, अभी दूसरी यूनिवर्सिटी में काम शुरू किया है। मैं ये बात सिर्फ स्टेट यूनिवर्सिटी को नहीं कहती हूँ, वो तो किया मैंने कहा, लेकिन जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनका भी वही दायित्व है मित्रों,
जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं वो यूनिवर्सिटियां भी वो काम करे। आपकी यूनिवर्सिटी कैसे चलती है? स्टूडेंट्स के फी से चलती है। कहीं आप भी इसमें जोड़ते होंगे मित्रों, लेकिन समाज की जिम्मेवारी सब पर है, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट कॉलेज हो या तो शासकीय कॉलेज हो या तो एडेड कॉलेज हो, ये सबकी जिम्मेवारी है ये काम करने की मित्रों। और सोच लिए सब साथ में मिलकर ये काम करेंगे तो यूपी सबसे श्रेष्ठ राज्य बन सकता है, इतनी ताकत है आपके पास। हम कहते हैं ना कि यूपी में 24 करोड़ आबादी है, 24 करोड़ आबादी है, दूसरे राज्यों में 8 करोड़, 7 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़, सबसे ज्यादा आबादी यूपी की है, तो सबसे ज्यादा जिम्मेवारी भी यूपी की है मित्रों, यूपी की है। आप सबको फिर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अवार्ड जिसको प्राप्त हुआ है उसको भी बधाई, जिसको अवार्ड प्राप्त नहीं हुआ उसको भी बधाई, सबको अवार्ड प्राप्त हुआ है मानकर चलिए, दुखी मत होइए, शांति से घर जाइए। और खास करके आपके परिवार के साथ बैठकर ये गोल्ड मेडल जो मिला है उसकी चर्चा कीजिए मित्रों। और इसमें सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट किया होगा माता ने किया होगा, मां ने किया होगा। मैं इधर एक दो लड़कों को कहा था कि हमारा पैर मत छुओ, लेकिन घर पर जाकर माँ बाप का पैर छू लेना, आशीर्वाद देना उनका। और ये माँ बाप का आशीर्वाद के बिना बेटे हो बेटी हो कोई आगे नहीं बढ़ सकता है मित्रों। इतने आशीर्वाद बिना स्वार्थ उसका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसने कभी भी आपके पास ये अपेक्षा नहीं की है कि ये बेटा बड़ा हो जाएगा, अच्छा पढ़ेगा और अच्छी कमाई करेगा तो वृद्धावस्था में मेरा ध्यान रखेगा, कभी भी उसने सोचा नहीं है मित्रों। वो तो आपके बारे में ही सोचती रहती है कि बेटा पढ़े, चाहे मुझे जो कुछ करना पड़े, बस चाहे किसी के घर पर जाकर बर्तन साफ करना पड़े या पोछा लगाना पड़े या तो कहीं सर्विस करके पैसा कमाकर भी बेटे और बेटियों को पढ़ाने के लिए वो हर में तैयार रहती है। ऐसी माँ को प्रणाम करिए, मैं भी प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। कुलपति महोदय से अनुरोध है कि कृपया दीक्षांत समारोह के विधिवत समापन की घोषणा करने हेतु माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध करने की कृपा करें। माननीय कुलाधिपति महोदय से निवेदन है कि वे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के 34वें दीक्षांत समारोह के विधिवत समापन की घोषणा करने की कृपा करें। मैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के 34वें दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करती हूँ। माननीय कुलाधिपति महोदय, माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, कार्य परिषद विद्युत परिषद के माननीय सदस्यगण तथा सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों से अनुरोध है कि आप राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े होने की कृपा करें। हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे।
दीक्षांत शोभा यात्रा सभागार में प्रवेश करने के क्रम के विपरीत क्रम में प्रस्थान करेगी। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने अपने स्थान पर खड़े रहें, इस दीर्घा को जरा मुक्त रखें और पूर्णतः शोभा यात्रा के प्रस्थान तक अपने स्थान को न छोड़े। एक और विनम्र निवेदन, करतल ध्वनि से शोभा यात्रा का अभिनंदन करने के लिए। हेलो,
अल्फा अल्फा Thank you.